क्योंकि टाइम हम सबके पास बहुत कम बचा है और इस टाइम हमको बहुत जोर से दौड़ना पड़ेगा है ना हमें रेस लगानी पड़ेगी क्योंकि हमें अपना टारगेट अचीव करना है तो हम सभी मिलके है ना आप मैं हम सब मिलके मेहनत करने वाले हैं इस सीरीज में और हम इस सीरीज में एकदम एक झटके एक से दौड़ लगाएंगे और वन शॉट के थ्रू अपने सारे के सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे तो अगर आज की बात करें जैसे कि मैंने कहा आज है हमारा लेक्चर नंबर वन ऑफ बायोलॉजी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है किसको ये कहा जाता है सेल को एंड जब हम सेल बोलते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है पढ़ाई की बातें तो देखो किसी के दिमाग में आती नहीं है तो सेल बोलते ही सबको याद आता है रिमोट और रिमोट के अंदर डलने वाला सेल है ना ये वाला सेल ये वाला सेल नहीं भाई ये पढ़ना तुम फिजिक्स में है ना ये पढ़ना फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल सेल के बारे में ठीक है सो आई होप सभी रेडी है तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर मेक श्योर कि आप सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी अपनी एक रफ नोटबुक या एक नोट्स बनाने वाली नोटबुक जो आपने साइंस के लिए या बायोलॉजी के लिए बनाई है उसको साथ लेके बैठी है जहां पे भी मैं बोलती हूँ ये इंपॉर्टेंट है ये टेबल ये फ्लो चार्ट वो आपके नोट्स में होना जरूरी है चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी एनसीआरटी में से बायोलॉजी का बहुत सारा सिलेबस रिलेटेड है कुछ चैप्टर्स बचे हैं कम से कम उनको ही ढंग से पढ़ लेते हैं एंड नॉट ओनली दिस बेटा ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि क्लास नाइन्थ जो है वो एक तरीके से क्या है बेस है हमारे 10th, 11, का. अगर इलेवेंथ ट्वेल्थ में बायोलॉजी नहीं भी लेनी तो पढ़नी ही है एंड वहां पे बेटा बहुत जरूरी हो जाता है कि हमको बेसिक फंडामेंटल बातें पता हो सेल के बारे में टिश्यूज के बारे में तो उसी बेटा हम बहुत ही ध्यान से क्या करेंगे सारी बातों को आज बहुत ध्यान से सुनेंगे एंड जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ sure तो कहा हम क्या कर रहे हैं बेटा हम स्प्रिंट हम दौड़ लगा रहे हैं है ना तो हम तेजी से भागेंगे हम तेजी से दौड़ लगाएंगे क्योंकि टाइम कम है चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन एंड आज का सेशन है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि आज हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि भाई सेल होता क्या है तो, सेल को जब हम, करते हैं, तो हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया सेल इज दी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा हम ये बोल रहे हैं कि भाई सेल क्या है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसकी लाइफ की अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं लाइफ तो लाइफ का मतलब क्या है यहां पे बेटा यहां पे लाइफ का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात जब मैं बोलती हूं लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स सारे के सारे एनिमल्स बैक्टीरिया फंजाई एल्गी अमीबा जितने मतलब जितने भी लिविंग तुम सोच सकते हो सभी के सभी लिविंग इस कैटेगरी में आ गए एंड जब मैं बोलती हूं कि सेल क्या है सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है इसका मतलब यह है कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम होते हैं उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो सेल से बना होता है एंड उनके बॉडी में जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो सेल की वजह से ही परफॉर्म हो पाते हैं अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है या बड़ा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता उसकी बॉडी किस चीज से बनी हुई है उसकी बॉडी सेल से बनी हुई है उसकी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं सेल्स की वजह से परफॉर्म हो रहे हैं दैट इज वाई सेल इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसी की वजह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है इसी की वजह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी अलग अलग फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं जैसे कि बेटा आप देखो हम क्या कर रहे हैं हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ठीक है हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं हमारे अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में कितनी सारी प्रोसेस हो रही है ये सब सेल की वजह से हो रही है मैम ऐसे कैसे चलो समझते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पे हम बेसिक बात करेंगे सबसे बेसिक बात करेंगे सबसे बेसिक बात क्या है देखो जब मैंने कहा सेल क्या है सेल सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तो यहाँ पे मैंने क्या करा यहाँ पे मैंने एक सिंगल सेल बना दिया यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने एक सिंगल सेल बना दिया अब जब बहुत सारे सेल्स का क्या बनेगा ग्रुप बनेगा दैट विल बी नोन एज टिश्यू टिश्यू क्या है भाई टिशू बहुत सारे बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बहुत सारे सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यूज टिश्यूज हमारा एक चैप्टर भी है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं ठीक है थीके? तो बेटा ये एक सिंगल सेल है अब जब ऐसे बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ आके मिल जाते हैं तो हम बोलते हैं कि टिशू बन गया एंड जब बहुत सारे अलग अलग तरीके के टिश्यू एक साथ आ जाते हैं तो बनते हैं ऑर्गन क्या आप मुझे कुछ ऑर्गन के एग्जाम्पल दे सकते हो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन होते हैं जैसे कि हमारा ब्रेन है हमारा हार्ट है हमारी किडनी है हमारे लंग्स हैं हमारे पेनक्रियाज हैं है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन हैं अब कोई पूछे ये ऑर्गन किससे बने हैं तो भाई ये ऑर्गन अलग अलग टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं और टिश्यू किससे मिलकर बना होता है सेल से मिलकर बना होता है राइट right, चलिए जी ऑर्गन जब बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और एक साथ मिलके काम करते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम क्या बनता है भाई तो बनता है ऑर्गन सिस्टम अब आपने डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा छोटी क्लास में जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है नर्वस सिस्टम है ओ माई गॉड मैम बस रुक जाओ बहुत सारे सिस्टम हो गए है ना चलो तो समझ रहे हो बेटा सिस्टम तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बेटा हमारी नोज हमारी विंड पाइप हमारे लंग्स ये मिलके हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं तो नोज हो गई ठीक है हमारा लंग्स हो गई ऑर्गन डिस्वरें मिलके क्या करते हैं बेटा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जैसे कि हमारा माउथ है फूड पाइप है स्टमक है इंटेस्टाइन है ये अलग अलग ऑर्गन है और जब ये अलग अलग ऑर्गन मिलके एक साथ काम करते हैं तो एक सिस्टम बनता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम राइट अब बेटा अगर कोई पूछे कि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है तो हम बोलेंगे हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से बनी हुई है 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 ना हमारी बॉडी के अंदर जैसा कि मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम है सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है नर्वस सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम है ये सारे सिस्टम मिले तो क्या बना ये सारे सिस्टम मिले तो हम बने हम क्या है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम ऑर्गेनिज्म है तो अगर कोई पूछे कि भाई ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गन किससे बने और्गन से. और्गन किस से बने हुए हैं हैं टिश्यू टिश्यू से 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 और किससे सेल से. तो सेल तो की वजह ही हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है और सेल की वजह से ही क्या हो रहा है बेटा हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं मैम कैसे मान ले भाई तुमने ये तो सुना ही होगा कि हमारे हार्ट का काम क्या है ब्लड को पंप करना मैम सच्ची में मोहब्बत काम नहीं है हार्ट का नो no. हमारे हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना हमारी किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना तो ये सारे फंक्शन जो अलग अलग हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है बट ऑर्गन किससे बना है टिश्यू से और टिश्यू किससे बना है सेल से तो हम ये बोल सकते हैं ना कि सेल की वजह से ही डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं यस वेरी गुड राइट right? तो इसीलिए हमने क्या कहा इसीलिए हमने कहा कि जो सेल है वो क्या है वो क्या है बेटा वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोल देते हैं बिकॉज इसी की वजह से क्या है इसी की वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल हो पा रही है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन सेल्स की वजह से ही होता है एंड जब सेल की बात होती है तो वहां पर उसकी डिस्कवरी की भी बात होगी क्योंकि ये कब पता चला कि हमारी बॉडी सेल से बनी है ये कब पता चला कि बाकी ऑर्गेनिज्म क्या क्या डिस्कवरीज हुई कब हुई क्या नाम था ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं राइट right? चलिए तो यहां पे सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे किसकी सबसे पहले हम बात करेंगे एक साइंटिस्ट की जिनका नाम था रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक वाज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या किया जिन्होंने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन 1665 में इन्होंने सबसे पहले क्या किया बेटा सेल को डिस्कवर किया और जो टर्म है जो टर्म है क्या सेल वो भी इन्होंने ही प्रपोज किया था तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इनको काफी शौक था ठीक है ये साइंटिस्ट थे तो ऑब्वियसली बात इनको शौक था चीजों को इधर उधर ऑब्जर्व करने का तो इन्होंने अपना खुद से क्या किया था एक माइक्रोस्कोप इन्होंने सेल्फ डिजाइन खुद ही इन्होंने एक माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया था तो ये एक दिन बाहर गए बाहर से क्या करा बेटा उन्होंने बार्क एक ओक ट्री था ओक ट्री है ना ओक ट्री था ये उसकी क्या निकाल कर ले आए ये उसकी बार्क निकाल कर ले आए बार्क का एक हिस्सा होता है बाहर वाला जिसको हम बोलते हैं कॉर्क एंड इस कॉर्क को इन्होंने क्या किया को इस कॉर्क को इन्होंने इस माइक्रोस्कोप के अंडर इस कॉर्क को ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ इस तरीके का नजारा दिखाई दिया छोटे 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 डब्बे इन छोटे छोटे डब्बों को लैटिन में सेल बोलते हैं ठीक है सेल बोलते हैं तो इनको छोटे छोटे जो डब्बे दिखाई दिए इनको इन्होंने कहा सेल बट 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 जो सेल्स इनको सबसे पहले दिखाई दिए थे वो कैसे सेल्स थे बेटा वो इन्होंने कौन से सेल्स देखे थे इन्होंने सबसे पहले जो सेल्स देखे थे वो डेड सेल्स देखे थे वो डेड सेल्स थे उसके लगभग नौ साल बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एंटनी वैन ल्यूवन हुक एंटनी वैन ल्यूवन हुक वॉज द फर्स्ट तो पर्सन जिन्होंने सबसे पहली बार क्या किया लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया इन 1674। तो आपको अब पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है पेपर में क्वेश्चन आएगा हु डिस्कवर्ड सेल तो आप लिखोगे रॉबर्ट हुक ठीक है नो no डाउट आप लिखोगे रॉबर्ट हुक क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली हम उस पर्सन की बात मानेंगे जिसने सबसे पहले किया था बट अगर पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल्स तो यहां पे नाम किसका आएगा एंटनी वैन ल्यूविन हुक ठीक है हुक हुक होता है बेटा दोनों के नाम में दोनों के नाम में क्या होता है बेटा हुक होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बट आगे का नाम भी याद रखना है देखो रॉबर्ट हुक एंड एंटनी वैन ल्यूवन हुक राइट चलिए और बेटा अब ये बात यहीं पे नहीं रुकी अब लोग लोगों लोगों को सेल के बारे में पता चला लोग मतलब साइंटिस्ट जब सेल के बारे में पता चला दे वर वेरी कीन टू नो कि अच्छा और क्या होता है सेल के अंदर वहीं पे नहीं रुकी बातें बातें और आगे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन है ना ऐसा लग रहा है उस टाइम पर रॉबर्ट नाम काफी में था। लग रहा है ट्रेंड में था ठीक है क्योंकि रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन सबका रॉबर्ट 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 है ना चलो जी तो रॉबर्ट ब्राउन जब रॉबर्ट ब्राउन की हम बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्या किया 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो अभी तक सिर्फ बात ये हो रही थी कि देखो सेल है सेल है बट रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बताया कि देखो भाई जब हम सेल की बात करते हैं ना जब हम सेल की बात करते हैं तो देखो सेल के अंदर भी कुछ होता है ठीक है एंड अभी तक लोगों को नहीं पता था क्योंकि हमारे जो माइक्रोस्कोप थे इतने ज्यादा हाईली डेवलप नहीं हुए थे ही वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि देखो भाई सेल तुम बोल रहे हो सबसे छोटी चीज होती है है सुनो आपको पता रॉबर्ट ब्राउन ने कहा आपको पता है 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 कि सेल के अंदर भी कुछ होता है, कुछ गोल सा एक होता होता उसको बोला जाता है न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन एटीन थर्टी वन फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था परिन जी परकिन जी ने एक टर्म दिया जिसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाजम क्या बोलते हैं भाई टर्म प्रोटोप्लाज्म अब प्रोटोप्लाज्म जो टर्म दिया था इन्होंने वो इन्होंने दिया था 1839 में एंड जब इन्होंने टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया तो इसका मतलब क्या था देखो बेटा जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सेल के बाहर सेल वॉल भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है साइटोप्लाज्म तो भी होता है न्यूक्लियस भी होता है।, तो है तो जो भी हमारा सेल है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है कुछ पार्ट नॉन लिविंग होता है कुछ पार्ट लिविंग होता है तो बेटा जो भी लिविंग पार्ट है जो भी लिविंग कंटेंट है सेल का उसको हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं तो जब मैं बात करती हूं प्रोटोप्लाज्म की व्हाट डू आई मीन प्रोटोप्लाज्म से मतलब है मेरा लिविंग कंटेंट ऑफ दी सेल तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म में तो बेटा प्रोटोप्लाज्म में सब आ गया प्रोटोप्लाज्म में जो भी लिविंग पार्ट है सेल का उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई ठीक है पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है उसकी क्या आ गई बेटा उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ गई जिसके बारे में आगे हम बात भी करेंगे अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी भी आ आ गई इसका न्यूक्लियस गया ठीक है अब ये टर्म लग रहे होंगे सुनकर माम क्यों बोल रहे हो अभी पढ़ेंगे टेंशन मत लो ठीक है इसका साइटोप्लाज्म भी आ गया ठीक है यहां पे अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनलीज होते हैं बेटा सब आ गया तो प्रोटोप्लाज्म मतलब जो भी लिविंग पार्ट है सेल का सेल का जो भी लिविंग कंटेंट है सेल का जो भी लिविंग कंटेंट है उसको हम क्या बोलते हैं कलेक्टिवली मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा सेल के अंदर जो भी जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बेटा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर की फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब मिला के प्रोटोप्लाज्म कहलाता है और ये जो टर्म दिया था ये परकिंजी ने दिया था 1839 में 1838 1839 के आसपास ही बेटा हमारे जो दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मैथियस और थियोडर श्वान क्या नाम था भाई क्या नाम था इन साइंटिस्ट का इन साइंटिस्ट का नाम था स्लाइडन एंड थियोडर श्वान दोबारा से देख लो क्या मैं बोल रही हूं बेटा मैं बोल रही हूं मैथ्य स्लाइडन और थियोडर और श्वान ठीक है अब ध्यान से सुनेंगे देखो यहां पे ये वाले जो साइंटिस्ट थे ये वाले साइंटिस्ट जो थे ये एक बॉटनिस्ट थे और ये एक जोलॉजिस्ट थे बॉटनिस्ट मतलब वो पर्सन होता है जो प्लांट्स की स्टडी करता है श्वान वो होता है जो कि क्या करता है जो कि एनिमल्स की, की स्टडी करता है जोलॉजिस्ट जोलॉजिस्ट जू मतलब एनिमल्स राइट तो मैथ्यू स्लाइडर ने कहा कि देखो भाई जो भी प्लांट्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं वो कह रहे हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि देखो भाई जितने भी प्लांट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स हैं बेटा हर प्लांट सेल से बना होता है ये बात बात उन्होंने कही ये ने बात कही देखो भाई जितने भी भी एनिमल्स होते होते हैं हैं वो सेल से बने होते हैं। ठीक है चलो जी ये बात उन्होंने अपनी सेल थ्योरी में कही पहली स्टेटमेंट ये थी कि जितने भी प्लांट्स है सब एनिमल्स जितने भी प्लांट है सेल से बने होते हैं उसके बाद उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट इन्होंने दी कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सेल से बने होते हैं

अपनी एक बात ऐड करना चाहता हूं तो ही एक्सटेंडेड सेल थ्योरी उनकी ही थ्योरी के अंदर उन्होंने अपना एक पॉइंट और ऐड किया सेल के बारे में अपनी अपन, उनकी ही बेटा थ्योरी के अंदर उन्होंने अपना एक पॉइंट ऐड किया उनकी थ्योरी में जिसमें कि उन्होंने कहा ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला हाँ ये क्या है भाई उन्होंने अपनी भाषा में एक बात कही ओमनिस ए सेल्यूला ए सेल्यूला इसका क्या मतलब था इसका मतलब ये था कि जितने भी सेल्स होते हैं जितने भी नए सेल्स होते हैं वो कब आते हैं जब पुराने वाले पिछले वाले सेल्स क्या करते हैं डिवाइड करते हैं उन्होंने अपनी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज में उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली ऐसे e e <laughs> कहा उन्होंने, e e ठीक ना ना? मतलब क्या था इसका मतलब था ये, कि भाई देखो जितने भी सेल होते हैं जितने भी सेल होते हैं जितने भी नए सेल होते हैं वो कब आते हैं जब पुराने वाले पिछले वाले सेल डिवाइड करते हैं एक सिंपल सा लॉजिक वो उन्होंने कहा कि देखो भाई ये जो नया सेल आया है ये सेल कब आया होगा जब पिछले वाले सेल ने क्या किया होगा डिवाइड किया होगा ये वाला सेल कब आया होगा जब पिछले वाले सेल ने क्या किया होगा डिवाइड किया होगा ये वाला सेल कब आया होगा जब इससे पहले जो ऑलरेडी एक सेल रहा होगा जब उसने डिवाइड किया होगा ये तब आया होगा ये कब आया होगा भाई जब ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग प्री मतलब पहले से एग्जिस्ट कर रहा सेल जब डिवाइड करता है तो नए सेल बनते हैं उन्होंने ये बात कही थी अपनी थ्योरी में राइट ये कुछ क्या हो गई बेटा डिस्कवरीज जो कि रिलेटेड है सेल 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 थ्योरी से ठीक है एंड जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो सेल को लेके ना काफी सारी पिक्चर्स बना के रख लेते हैं बच्चे अपने दिमाग में कि भाई सेल तो ऐसे ही होते होंगे इतने ही होते होंगे नहीं यहां पे क्या है बेटा जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर काफी वेराइटी देखने को मिलती है हमको क्या हमको जाल काफी वेराइटी देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ देयर शेप इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर इन टर्म्स ऑफ देयर शेप इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर एंड इन इन टर्म्स टर्म्स ऑफ़, देयर साइज अब ये क्या है देखो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी सबसे पहले हम बात करेंगे सेल नंबर की देखो बेटा जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेम नंबर ऑफ सेल्स हो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के अंदर बॉडी भी नहीं बोल सकते जिनके 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 अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर क्या होता है केवल एक ही सेल होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूनि सेल्युलर व्हाट डू आई मीन बाय यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेटा यूनि का मतलब होता है सिंगल यूनि का मतलब क्या है यूनि का मतलब होता है सिंगल ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होता है जिनके पास केवल एक सिंगल सेल ही होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ठीक है आपने अमीबा के बारे में सुना होगा आपने पैरामीशम के बारे में सुना होगा फॉर एग्जाम्पल जित अमीबा हो गया पैरामीशियम हो गया एंड हमारा क्या बोलते हैं बैक्टीरिया हो गए जितने भी हो गए जितने भी बैक्टीरिया हो गए सबके सब हो गए बेटा युगलीना हो गया ये एक तरीके का प्रोटोज ये एक तरीके का प्रोटेस्ट होता है पानी में मिलता है ठीक है बट जब हम बात करते हैं हमारी हमारी मतलब हमारी यस जब हम बात करते हैं हमारी यानी कि यानी कि किसकी ह्यूमन बींग्स की जब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं बेटा तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक नहीं दो नहीं सौ नहीं हजार नहीं लाखों नहीं करोड़ों नहीं एंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट है एंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट है तो क्या हमारी बॉडी में सिंगल सेल प्रेजेंट है नो no. हमारी बॉडी में क्या है बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं उन को हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब हम बात करते हैं मल्टी तो मल्टी से हम क्या याद रखेंगे सेल्स से ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एक से ज्यादा होंगे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आ जाएंगे जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या है वो मल्टी सेलुलर है एनिमल्स जिसमें कि हम भी आ गए हम भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ठीक है चलिए जी अब हमने कहा कि जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स हैं, वो सेम तरीके के हों अगर उनका नंबर अलग है तो उनकी शेप भी अलग हो सकती है तो सबसे पहली बात तो भाई एक तो सो, ये सोचना छोड़ दो कि सारे के सारे सेल्स हमेशा ऐसे गोल होंगे नो no, जरूरी नहीं है ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर सेल ऐसा गोल हो बेटा सेल इस तरीके से क्या हो सकता है ओवल ओ इस तरीके से रॉड शेप भी हो सकता है सेल इस तरीके से क्या हो सकता है इस तरीके से ब्रांच भी हो सकता है जरूरी नहीं है इस तरीके से लंबा लंबा भी हो सकता है सेल इस तरीके से, सेल इस तरीके से क्या हो सकता है बेटा स्पिंडल शेप भी हो सकता है आई एम सॉरी ठीक है तो बेटा सेल की क्या हो सकती है अलग अलग शेप पॉसिबल है इफ इफ सो यू विल सी दिस डायग्राम ठीक है तो आप देखोगे बेटा हमें कितनी अलग अलग तरीके की सेल देखने को पे मिल रही हैं हमें प्रॉपर इस तरीके के सर्कुलर सेल्स तो देखने को ही मिलते हैं एंड अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें ना बेटा हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे सेल हैं व्हाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल हमारी मसल के सेल्स हमारे हमारे नर्व सेल जो हमारे ब्रेन एंड ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं तो इन सबकी शेप एक दूसरे से अलग अलग होती है तो ये क्या है बेटा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली हमारा नर्व सेल है ये हमारा नर्व सेल है नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोलते हैं और ये कहा पाया जाता है भाई ये हमारी बॉडी के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है ये हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिलता है एंड आपको पता है इसकी खासियत इसकी खासियत इसकी शेप है आप देख रहे हो इसकी जो इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है आप देखोगे इसमें क्या है ब्रांचिंग है क्या आपको यहाँ कोई यह ब्रांच निकलती दिखाई दे रही है नो no. आपको यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे ब्रांचिंग देखने को मिलेगी तो यहाँ पे यहां पे क्या होता है बेटा ये सेल ब्रांच होता है और इसकी शेप प्रॉपर गोल गोल नहीं है इलांगेटेड है राइट right? अगर यहाँ पे हम बात करें ओवम की ओवम क्या होता है बेटा एग सेल होता है ओवम अगर हम इसकी बात करें इसकी बात करें ओवम की तो ओवम की शेप कैसी होती है भाई ओवम की शेप कैसी होती है ओवम जो है देखो बेटा प्रॉपर क्या है स्फेरिकल शेप्ड का है स्फेरिकल है अगर हम बात करें किसकी अगर हम बात करें मसल सेल्स की हमारा एक स्मूथ मसल सेल है मसल अलग अलग तरीके की होती हैं तो अगर हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखें ये क्या हो गया ये हो गया हमारा मसल सेल हमारी मसल सेल होती है बेटा ये वाली और इसकी शेप अगर आप देखोगे इसकी शेप क्या है बेटा इस तरीके से देखो इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप स्पिंडल शेप कैसी होती है आप देखो बेटा जो इसके एंड पॉइंट है वो तो बिल्कुल पॉइंटेड है बिल्कुल पतले हैं नैरो हैं बट बीच से क्या है ये वाइड है बीच से ये वाइड है यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया बेटा ये स्पिंडल शेप था देखो ये क्या है बेटा पॉइंटेड पॉइंटेड है 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 अपने एंड एंड पार्ट पार्ट से जो है, वो क्या है? है, नैरो है. बट जो बीच वाला पार्ट है वो इलांगेटेड है तो ऐसे सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं स्पिंडल शेप तो हमारे जो मसल के सेल्स होते हैं ना हमारी मसल्स होती हैं जो इस इस तरीके के सेल्स उसके अंदर पाए जाते हैं ठीक है चलिए तो यहाँ पे आपको अलग अलग शेप्स दिख रही होंगी तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही देखो बेटा इतनी हमें क्या देखने को मिलती है डिफरेंस देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ देर शेप राइट चलो अब साइज की बात कर लेते हैं तो मैम क्या हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाला सेल सेम होता है उम, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. मैम क्या हमारे साइज जो हमारा सेल का साइज है और जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल है क्या उनका साइज सेम होता है नो no. नो, no, ऐसा नहीं है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा अलग अलग साइज के सेल्स पाए जाते हैं प्लांट के अंदर जो सेल है उनका साइज अलग होता है एनिमल्स के, के अंदर जो सेल है उनका साइज अलग होता है बैक्टीरिया के अंदर जो सेल है उनका साइज अलग होता है सो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ साइज ऑल्सो अगर हम सबसे छोटे सेल की बात करें बेटा अगर हम सबसे छोटे सेल की बात करें जो वर्ल्ड के सबसे छोटे सेल है बेटा वो होते हैं किसके वो होते हैं माइकोप्लाज्मा के माइकोप्लाज्मा एक तरीके का बैक्टीरिया होता है ये एक तरीके का क्या होता है बेटा बैक्टीरिया होता है ठीक है एंड ये सबसे छोटा सबसे छोटे टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबसे छोटे सेल होते हैं इनके लार्जेस्ट लिविंग सेल की बात करें बेटा जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ऑस्ट्रिच दैट इज द लार्जेस्ट लिविंग सेल बेटा माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है इनको पीपीएलओ ठीक है इनका एक और नाम है इनका एक और नाम है पीपीएलओ ठीक है पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स क्या बोल रहे हो अरे प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स ठीक है बच्चे कह रहे हैं मैम जिस दिन ये टर्म समझ आने शुरू हो गए ना मैम उस दिन तो हमको बायोलॉजी समझ आने शुरू हो जाएगी बट बेटा यही तो ब्यूटी है इस सब्जेक्ट की टर्म्स टर्मिनोलॉजी है ना एंड आपको मैं बता रही हूँ बेटा जिस दिन ये टर्म्स को तुमने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ना शुरू करा ना उस दिन तुमको ये टर्म्स खुद ब खुद समझ आने शुरू हो जाएंगे स्टार्टिंग में दिक्कत होती है बेटा टर्म्स को याद रखने में आई अग्री आई टोटली अग्री बट सच बता रही हूं बेटा बार 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 लिखो उन टर्म्स को बार बार ही पढ़ो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो रिपीट करते रहो माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा माइको प्लाज्मा है ना याद हो जाएगा यार याद हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है चलो आगे चलते हैं ना तो अब सेल में भाई बहुत वेराइटी यार अलग अलग साइज के भी होते हैं है ना अच्छा बैक्टीरिया का जो साइज होता है बैक्टीरिया का जो सेल का साइज है वो छोटा होता है बेटा एनिमल का जो सेल का साइज है वो बड़ा होता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं बेटा अब सेल में बहुत वैरायटी है उनका अलग अलग साइज होता है उनकी अलग अलग शेप होती है उनका अलग अलग नंबर भी होता है कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि भाई जब हम सेल की बात करते हैं क्योंकि अभी मैम ने कुछ टर्म्स लिए थे मैम ने कहा था न्यूक्लियस मैम ने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैम ने कहा था साइटोप्लाज्म ये सब क्या टर्म्स थे है ना एकदम ऐसे हेड शॉर्ट हेड शॉर्ट तो यहाँ लगता है मैम वो तो ऊपर से निकल के चले गए थे मिस हो गए थे मैम क्या है वो भाई वो हमारे सेल के हैं, उन चीजों से मिलके हमारा सेल बना होता है तो ऑफ कुछ तो बेसिक चीजें होंगी जो सेल के आपको क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट दिख रहा है very, very, very आपको क्या करना है बेटा ये फ्लो चार्ट आपके नोट्स में होना चाहिए ये आपको लास्ट मिनट रिविजन में क्या करेगा बहुत हेल्प करेगा ठीक है आज आप बहुत सारे इस तरीके के फ्लो चार्ट देखने वाले हो टेबल्स देखने वाले हो क्यों क्योंकि बेटा पैराग्राफ को देखते ही बच्चे डर जाते हैं और फिर याद करने में से कतराते हैं बट इस तरीके से जब हम फ्लो चार्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा है ज्यादा नहीं है एंड थोड़ी कॉन्सेप्शनल क्लैरिटी भी आ जाती है सेल क्या है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इसके कौन से कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं सबसे पहली चीज हमारे सेल के अंदर क्या होता है भाई हमारे सेल की बाहर की एक बाउंड्री होती है जिसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन या फिर सेल ठीक है तो सबसे पहले इसको साथ साथ बना ही लेते हैं तो हमने कहा कि सेल की क्या होती है सेल की सबसे बाहर की जो बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये मैंने क्या बना दिया ये मैंने बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेंब्रेन तो साथ, -साथ यहाँ पे क्या कर लेंगे इसको साथ साथ लेबल भी कर लेंगे ये क्या है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेटा सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है ठीक है एंड कहीं कहीं पे आप देखोगे बेटा मैं इसको लिखूंगी पीएम या फिर सीएम है ना एक ही बात है बायोलॉजी में एक ही बात है ठीक है में मत बोल देना मैम ने कहा था पीएम और सीएम है ना कलेश हो जाएगा दोनों का बहुत गंदे वाला पीएम सीएम एक कब से होने लग गए ठीक है ठीक है तो बेटा इतना याद रखेंगे अगर मैं कहीं पे पीएम लिखती हूँ दैट मींस नॉट प्राइम मिनिस्टर दैट मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये जो बाहर की आउटर बाउंड्री होती है बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं ये ये हमारे सेल की आउटर बाउंड्री है कोई भी चीज जब सेल के अंदर आएगी या बाहर जाएगी उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिशन लेनी पड़ेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल के जो इनर कॉम्पोनेट है उनको प्रोटेक्ट करके रखती है क्योंकि सेल के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं राइट तो आप देखोगे बेटा कोई भी मॉल होता है स्कूल होता है कुछ भी होती है बाहर उसकी एक बाउंड्री जरूर होती है क्योंकि उसका काम क्या है प्रोटेक्शन देना वैसे ही सेल के अंदर बहुत कुछ है उन चीजों को प्रोटेक्ट करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखती है ठीक है ये एक तरीके की बाउंड्री वॉल है ठीक है चलिए जी जैसा कि हमने कहा कि ये क्या है एंट्री और एग्जिट क्या करती है कंट्रोल करती है चीजों की इसी से परमिशन लेनी पड़ती है फिर आ जाता है हमारा क्या फिर आ जाता है हमारा सेल वॉल अब आप देख रहे हो बेटा मैं सेल वॉल को यहाँ पे एक डिफरेंट कलर से क्या कर रही हूं मैं इसको मार्क कर रही हूं बिकॉज जब हम सेल वॉल की बात करते हैं सबसे पहली चीज ये हर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती ये हर सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती इसीलिए मैं इसको यहाँ पे अलग कलर से मार्क कर रही हूं ठीक है कहाँ होती है जो प्लांट के सेल्स होते हैं वहां होती है जो बैक्टीरिया के सेल होते हैं वहां होती है हमारे सेल में नहीं होती हमारे जैसे और भी जो एनिमल्स है जितने भी जो एनिमल्स हैं जितने भी एनिमल्स हैं चाहे वो बर्ड हो चाहे वो फिश हो चाहे कोई मैमल हो चाहे कोई हाथी हो ठीक है कुछ भी हो यार कुछ भी हो कोई रेप्टाइल हो कुछ भी हो एनिमल है अगर उसके पास सेल वॉल नहीं होगी किसके पास होगी प्लांट के सेल के पास प्लांट का चाहे रूट का सेल हो चाहे लीफ का सेल हो चाहे स्टेम का सेल हो चाहे जाइलम हो फ्लोएम हो कुछ भी हो प्लांट का अगर कोई सेल है तो उसके पास ये बाहर की एक्स्ट्रा लेयर होगी जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा इस एक्स्ट्रा लेयर को हम बोलते हैं सेल वॉल, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ये जो मैंने ग्रीन कलर की एक्स्ट्रा वॉल बना दी है बेटा इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं सेल वॉल ये जो व्हाइट कलर से बनाई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो बाद में मैंने पिंक कलर ये ग्रीन कलर से बनाई है बेटा बाहर की तरफ इसको हम बोल देंगे सेल वॉल ठीक है तो सेल वॉल अगर पूछे तो भाई कहां होती है दिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और उसके बाहर की तरफ क्या होगी सेल वॉल होगी आई होप दिस इज क्लियर चलिए और बेटा जो सेल वॉल होती है बेसिकली ये डेड होती है ये क्या होती है बेटा दिस इज द डेड डेड पार्ट और ये इतनी ज्यादा ये क्या है बेटा ये इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है बेटा फ्लेक्सिबल भी होती है बट सेल वॉल फ्लेक्सिबल नहीं होती काफी रिजिड स्ट्रक्चर है 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 ना फ्लेक्स रिजिड मतलब बेंड वेड नहीं होता ठीक चलिए जी फिर आ जाता है हमारा न्यूक्लियस भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो पूरा सेल है ना बेटा हमारे पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस का है तो न्यूक्लियस के बारे में बहुत जगह लिखा होता है न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर कंट्रोल रूम कंट्रोल रूम एंड कहीं कहीं पे इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल आल्सो है ना बट ब्रेन ऑफ द सेल ना ही बोल के बेटा आई बोलो न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर क्योंकि ये क्या करता है बेटा हमारे पूरे सेल को कंट्रोल करता है हमारे पूरे सेल को कंट्रोल करने का काम किसका है इस स्ट्रक्चर का है जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस हमेशा ऐसे बीच में हो बीच में भी हो सकता है बेटा वो इस तरीके से साइड में नीचे ऊपर कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है इट डजेंट मैटर ठीक है वो कहीं पे भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि वो सेंटर में ही हो राइट अब इसको मैं कंट्रोल सेंटर क्यों बोल रही हूँ बिकॉज बेटा जो सेल का डीएनए होता है हमारे सेल के जो डीएनए होते हैं बेटा वो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं सेल का जो डीएनए है बेटा जो धागे जैसा एक स्ट्रक्चर होता है वो यहीं पे प्रेजेंट होता है so center, क्योंकि हमारी सारी क्या बनाया सेल के अंदर सेल के न्यूक्लियस के अंदर बनाया मैंने डीएनए और क्या है भाई और क्या है सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर क्या होता है भाई सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म अब साइटोप्लाज्म क्या है साइटोप्लाज्म टर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यूज किया था बेटा देखो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहां पे बेटा क्या है बहुत सारा जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है बहुत सारा क्या भरा हुआ है बेटा लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है यहां पे इस तरीके से देर इज लॉट ऑफ लाइक सब्सटेंस यहां पे इस तरीके से तो ये सारा का सारा लाइक सब्सटेंस -like जो हमारे सेल के अंदर भरा हुआ है दिस लाइक नोन एज़ क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाजम साइटोप्लाज्म मतलब बेटा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है बहुत सारा फ्लूइड एनक्लोज है यहां पे ये जो सारा का सारा फ्लूइड भरा हुआ है बेटा इस फ्लूइड को इस फ्लूड को हम क्या बोलते हैं इस फ्लूड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या ये बात क्लियर है ये बात है ना क्या यह बात क्लियर है तो दिस जेली लाइक सब्सटेंस दिस जेली लाइक सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन साइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म वेरी गुड ठीक है मैम प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई देखो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर जो भी है एंड इस सेल के अंदर जो भी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सब को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं बिकॉज ये सब मिलके क्या है लिविंग पार्ट है प्रोटोप्लाज्म में बेटा सेल वॉल इंक्लूडेड नहीं होती है क्योंकि वो डेड पार्ट है और प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग कॉन्टेंट ऑफ द सेल ठीक है ये जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा है बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म फिर आ जाते हैं बेटा हमारे सेल ऑर्गेनलीज अब ये क्या होता है भाई देखो तुम्हारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है राइट भाई हार्ट का काम ब्लड को पंप करना लंग्स का काम ब्रीदिंग करना किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना वैसे ही हमारे सेल के अंदर भी कितने सारे काम हैं, उन स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं सेल ऑर्गेनलीज अब ये सेल ऑर्गेनलीज कहा होते हैं भाई ये जो जलीलाइक सब्सटेंस पड़ा है साइटोप्लाजम इसी के अंदर होते हैं इसी के अंदर होते हैं यहाँ पे इस तरीके से बेटा अलग 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 पार्ट्स प्रेजेंट होंगे हमारे साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरीके से कुछ अलग 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 हमको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे जो कि क्या करते हैं हमारे सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने का काम करते हैं राइट तो इन सभी को हम क्या मिला मिला के क्या बोल देते हैं सेल ऑर्गेनलीज जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स जो कि अलग अलग काम करते हैं वैसे ही सेल के अंदर क्या हो गए अलग अलग सेल ऑर्गेनलीज ठीक है इनको क्या बोल देंगे सेल ऑर्गेनलीज अब अलग अलग तरीके के सेल ऑर्गेनलीज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे कि माइट्रोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का, का काम करता है क्लोरोप्लास्ट फूड बनाने का, का काम करता है गोल्जी बॉडी पैकेजिंग में मदद करता है ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है ईआर प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है तो इस तरीके से काम बटा हुआ है ठीक है चलिए अब बेटा जब हम सेल को देखते हैं तो आप देखो ये हमारी एनसीआरटी के अंदर दो डायग्राम दिए हुए हैं एक प्लांट सेल का और एक एनिमल सेल का अब बेटा ये क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए क्या मैम ये एग्जैक्ट शेप बनाना जरूरी है पेपर में नो no. बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बेटा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम ये सेम शेप छाप कर आओ तुम्हारी लेबलिंग ठीक होनी चाहिए यह नहीं होना चाहिए कि तुम एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल बनाकर आ गए ठीक है तुम्हारी लेबलिंग ठीक होनी चाहिए तुम्हें पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल में नहीं होती ठीक है तुम बाउंड्री बनाकर आओ तो एनिमल सेल में दो बाउंड्रीज होनी चाहिए क्योंकि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक वॉल ठीक है तुमको पता होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियस है ठीक है तुमको पता होना चाहिए सेल ऑर्गेनलीज है तुमको ये सब आइडिया होना चाहिए तुमको एग्जैक्ट शेप छापने के लिए कोई नहीं बोल रहा बट ये आपके नोट्स में होना चाहिए क्योंकि जब आप नोट्स में बनाओगे इसको लिखोगे तो तुम इसको रीड करोगे है ना एंड चीजें फिर याद रहेंगी चलिए भाई अब यहाँ पे बेटा वन बाय वन शुरू कर रहे हैं थोड़ा आउटर टू तो इनर जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले बाहर क्या है सेल वॉल तो सेल वॉल के बारे में ही बात कर लेते हैं है ना सेल वॉल फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनलीज जैसे बात करेंगे ठीक है वन बाय वन इनके बारे में तो सबसे पहले बेटा हम बात करने किसकी सेल वॉल की तो जैसा कि मैंने कहा कि सेल वॉल क्या है बेटा सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग चीज होती है और ये काफी रिजिड है रिजिड मतलब ये नॉन फ्लेक्सिबल है है ना नॉट फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल नहीं है ठीक है उसके अलावा बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग की तरह काम करती है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी एक है। और सेल को प्रोटेक्ट तो करती ही करती है ये देखेंगे बेटा ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है तो देखो ये प्रेजेंट है प्लांट्स में बैक्टीरिया में और फंजाई में तो प्लांट बैक्टीरिया और फंजाई के जो सेल होते हैं उनके बाहर प्लाज्मा प्लाजमा ब्रेनब्रेन के बाहर की तरफ ये कवरिंग प्रेजेंट होती है एनिमल्स और जब हम वायरस की बात करते हैं बेटा उनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती अब कई बार ही क्या होता है बेटा पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्लांट सेल वॉल किससे बनी है ठीक है एनिमल सेल वॉल किससे बनी है एनिमल में तो होती नहीं तो तुमको लिखना है एबसेंट है ना चतुर बनते हैं थोड़ा वो ज्यादा ठीक है और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हम लिखेंगे भाई देखो जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टीडोग्लाइकन नाम के केमिकल से और जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो बनी होती है काइटिन जिसको तुम चिटिन चिटिन भी बोलते हो ठीक है काइटिन होता है ये क्या है बेटा ये अलग अलग सब्सटेंसेस हैं जो हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म की वॉल में देखने को मिलती हैं भाई एनिमल में तो होते नहीं ना तो यहाँ पे क्या लिखोगे कुछ नहीं वायरस में तो भाई सेल भी नहीं होता तो सेल वॉल की तो दूर की बात है कुछ भी नहीं ठीक है तो सेल वॉल की ये कहानी थी बेटा याद रखेंगे प्लांट बैक्टीरियर फंजाई सिर्फ इनके सेल के बाहर सेल वॉल होती है और ये डेड होती है और फ्लेक्सिबल नहीं होती और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है समझ रहे हो ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई तो उसके उसके बाहर की तरफ एक और लेयर होती है ठीक है जो उसको प्रोटेक्ट करती है चलिए अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जैसा कि मैंने कहा था हम आउटर टू इनर जाएंगे वॉल की बात हो गई अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है और ये क्या होती है भाई ये फ्लेक्सिबल है उसकी तरह नॉन फ्लेक्सीबल नहीं है ये फ्लेक्सीबल है और ये किससे मिलकर बनी होती है बेटा ये मिलकर बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है लिख लो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू वाला जहां पे वो पूछते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी है तो हम बताएंगे कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन से अब पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई कौन से लिपिड्स कौन से लिपिड्स तो भाई हमको पता होना चाहिए जो लिपिड्स हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉस्फो लिपिड्स क्या बोलते हैं भाई उनको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स सो विच प्रेजेंट इन द द प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट इन ठीक है so इनकी शेप कुछ इस तरीके की होती है ठीक है इस तरीके की ऊपर फॉस्फेट प्रेजेंट होता है यहाँ पे ठीक है और यहाँ पे लिपिड होता है तो इसीलिए इसको फॉस्फोलिपिड बोल देते हैं ठीक है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है यानी कि फोस्फोरस होता है बहुत सारा और यहाँ पे लिपिड होते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन 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 के साथ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन इस तरीके की लंगी -लंगी हैं। इस तरीके का दिखता है और पूरा पूरा ये पूरा का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये बताया था किसने सिंगर एंड निकोलसन ने भाई सिंगिंग कर लेता हमारा कोर्स क्यों बढ़ा रहा है सिंगर <laughs> सिंगर प्लाज्मा ढूंढ रहा था बैठ के चलो 1972 में ज्यादा पुरानी बात नहीं है काफी पुरानी बात है खैर तो ठीक है तो सिंगर एंड निकोलसन ने मिलकर ना एक मॉडल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जिसको हम बोलते हैं हम बोलते हैं फ्लूइड मोजैक मॉडल क्या बोलते हैं भाई इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोजैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसमें इन्होंने क्या किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था इन्होंने और बताया था कि देखो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके के लिपिड से बनी होती है और वो फ्लूड और मतलब वो सेमी सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है उन्होंने इस इस तरीके से इस बात को समझाया था अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये पॉइंट आपको याद रखना है बहुत जरूरी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमिएबल है सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि भाई देखो आई एम अ वेरी हाई किसी से बात नहीं कर सकती मैं बात नहीं करूंगी गो मैं तुमसे भी बात नहीं करूंगी गो हाँ तुमसे बात कर लूंगी यू कैन कम इन साइड ठीक है तो भाई इस तरीके से प्लाज्मा फुल नखरीली चीज है वो क्या करती है वो कुछ कुछ चीजों को ही कुछ सेलेक्टिव चीजों को ही अपने थ्रू पास होने देती है और सेल के अंदर आने देती है और अंदर ही नहीं बेटा अगर किसी चीज को बाहर भी जाना है सेल से तो उसको क्या करना पड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है सेलेक्टिवली परमिएबल है तो यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है वो कंट्रोल करती है चीजों का एंट्री और एग्जिट वो, वो अलाउ करती है और परमिशन वही देती है किस चीज के लिए किसी चीज को अगर एंटर करना है सेल के अंदर या सेल से बाहर निकलना है तो उसके लिए कौन कौन सब मैनेज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर किसी चीज को अलाउ नहीं करती कुछ स्पेसिफिक चीजों को अलाउ करती है, है? अब जब जब हम किसकी बात कर रहे हैं जब हम यहाँ पे चीजों के ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा के अक्रॉस क्या होता है अलग अलग चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या होता है सब्सटेंसेस क्या होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं इधर से उधर अब ये दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन हमको देखने को मिलते हैं बेटा एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट एक होता है क्या एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ समझ आ रहा है कुछ सुना सुना लग रहा है कि नहीं लग रहा जल्दी बताओ कभी सुना है कभी सुना है क्या बेटा और के बारे में नहीं चलो ये बताओ बेटा क्या कभी तुमने सुना है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में हां जी मैम सुना है सुना है सुना है मैम ये तो वही टॉपिक है जो हमको समझ नहीं आ रहे ऐसे हाँ, कैसे समझ आएंगे क्योंकि बेसिक्स तो पड़े ही नहीं ना सीधा अगर कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे तो कैसे समझ आएगा पीछे की हमें बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए तो बेटा जो हम पढ़ते हैं ना डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस वो बेसिकली एक तरीके के पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं अब मैम वो क्या होता है मैम ये ही नहीं समझ आ रहा आप एक और नया टर्म ले आए हो अरे सुनो मेरी बात क्लैरिटी आ जाएगी देखो बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है दो अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट हैं जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस देखने को मिलते हैं देखो बेटा जब कोई भी सब्सटेंस सेल के थ्रू अंदर या बाहर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की को तो अगर क्रॉस करना है किसी भी सब्सटेंस को तो क्या है बेटा वो दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं क्या होते हैं भाई दो, दो दो तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं चलो जी देखो बेटा ये क्या बनाया मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई

इनका अमाउंट यहां पे ज्यादा है तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगी बेटा यहां पे मैं लिख दूंगी हाई कंसेंट्रेशन ठीक है यहां पे मैं क्या लिख दूंगी बेटा यहां पे मैं लिख दूंगी हाई कंसेंट्रेशन। इन सब्सटेंसेस की बेटा यहां पे क्या है बाहर क्या है बेटा इनकी कंसेंट्रेशन हाई है ठीक है चलो अब बेटा अंदर इनकी कंसेंट्रेशन क्या है लो है अगर आप यहां पे देख पा रहे हो बेटा तो आप नोटिस कर सकते हो कि इनकी कंसेंट्रेशन इन सब्सटेंसेस की कंसेंट्रेशन अंदर कम है इन सब्सटेंसेस की अंदर कंसेंट्रेशन क्या है कम है मतलब अंदर ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है अब ध्यान से सुनेंगे बेटा कोई भी चीज कोई भी चीज जब बेटा अपने हाईर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है है ना घर में भी होता है ना अरे यार बेटा तेरे पास तो इतने सारे हैं थोड़ा सा दे देना अपने छोटे बहन भाई को उसके पास कम है ना तो क्या होता है यही रीजन देते हैं ना घर वाले अरे बेटा तेरे पास तो इतनी सारी पेंसिल तो दे 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 है ना तो मूव करते हैं क्या होता है बेटा सब्सटेंसेस हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं वो चीजें जहां पे ज्यादा है वहां से निकलकर जहां पे लो है वहां मूव करने लगती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल उल्टा हो जाता है जहां पे लो है वहां से हायर की तरफ जाती हैं। जहां पे लो है वहां से निकल कर, किस तरफ जाती हैं हैं। हायर की तरफ जाती अब यही डिफरेंस है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट में जहां पे हाई है वहां से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा है बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर की तरफ जाते हैं ठीक है यह करने के लिए कोई एनर्जी यूज नहीं होती बट ये करने के लिए क्या करना पड़ता है सेल को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है सेल को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ये मूवमेंट कराने के लिए ठीक है अब एग्जाम में क्या होता है बेटा एग्जाम में डिफरेंस पूछ लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जब हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं सब्सटेंसेस हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा लोअर टू हायर मूव करते हैं इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है अभी हमने बात करी यहाँ पे क्या है बेटा एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है जो कि एटीपी की, की फॉर्म में यूज होती है इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे ये क्या है बेटा पैसिव मूवमेंट क्या होती है बेटा स्लो मूवमेंट होती है ठीक है एक्टिव मूवमेंट क्या है बेटा रैपिड मूवमेंट है यहाँ पे बेटा ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वॉटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली यहाँ पे छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स ही बेटा अब हमने क्या कहा था हमने कहा था हम पढ़ेंगे किसके बारे में पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेटा यहाँ पे क्या है दो टर्म्स है एक है डिफ्यूजन और एक है ऑस्मोसिस अब डिफ्यूजन की सबसे पहले बात कर लेते हैं देखो बेटा डिफ्यूजन एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये बात तो clear है। दोनों में ही क्या है बेटा दोनों में ही दोनों दोनों में ही, दोनों में ही ही कुछ बेटा बेटा देखो क्या क्या है? है हो रहा सब्सटेंसेस हायर टू लोअर मूव कर रहे हैं। ठीक है इसमें इसमें लोअर टू हायर जा रहे हैं। दोनों में ही क्या है बेटा डिफ्यूजन है या osmosis है दोनों में ही हायर से लोअर चीजें मूव करती हैं अब ये डिपेंड करता है कि वो चीजें किस टाइप की है डिपेंड करता है कि वो चीजें किस टाइप की हैं। जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं बेटा, में क्या होता है जब वो अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है तो बोल देते हैं डिफ्यूजन हो गई दैट्स इट आप देखो मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया ही नहीं मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि डिफ्यूजन में क्या होता है बेटा सब्सटेंसेस कैसे सब्सटेंसेस वो सॉलिड हो सकते हैं लिक्विड हो सकते हैं गैसेस हो सकते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड लिक्विड या गैसेस के सब्सटेंसेस अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो हम बोल देते हैं डिफ्यूजन हो गई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है देखो जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का हमारे सेल के अंदर क्या है बेटा मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बहुत ज्यादा है बाहर कम है तो क्या होगा बेटा डिफ्यूजन की प्रोसेस से वो बाहर चली गई या मान लेते है, है, हैं बेटा बाहर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है अंदर कम है तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी तो मान लेते हैं बेटा ये क्या है है हमारी प्लाज्मा ठीक है ठीके? तो मान लेते हैं पे पे क्या है बेटा बाहर बहुत सारी बहुत सारी क्या है बाहर अच्छे खासे अमाउंट में क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है और सेल के अंदर क्या है ऑक्सीजन सेल के अंदर ऑक्सीजन लेटेस्ट से ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है अंदर ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा वेरी गुड यहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या होगा बेटा यहाँ पे ये अंदर एंटर कर जाएंगी तो ये क्या यहां हुआ बेटा यहाँ पे ये डिफ्यूजन हुआ ये डिफ्यूजन हुआ ठीक है मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लेते हैं कि हमारे सेल के अंदर यहाँ पे क्या है बेटा मैं यहाँ पे जी फॉर यहाँ पे ग्लूकोज है ठीक है यहाँ पे ग्लूकोज है तो कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी ठीक है यहाँ पे क्या है बेटा यहाँ पे बहुत सारा ग्लूकोज है ठीक है और यहाँ पे सेल में क्या है बेटा यहाँ पे सेल में फॉर एग्जाम्पल यहां कर देती हूँ यहाँ पे है ना सेल में यहां पे क्या है ग्लूकोज कम है यहाँ पे सेल के अंदर ग्लूकोज बहुत सारा है और यहाँ पे ग्लूकोज कम है तो बेटा जरूरी नहीं है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस होगी हम तभी मानेंगे कि डिफ्यूजन हुई बेटा अगर यहाँ पे सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी अगर चीजें मूव कर रही हैं तो हम बोल देंगे कि देखो भाई यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे सब्सटेंसेस का मटेरियल का क्या हो गया डिफ्यूजन हो गया इसको भी मैं डिफ्यूजन कहूंगी बेटा ये भी क्या है ये भी डिफ्यूजन है डिफ्यूजन क्या है बेटा जब कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करे तो डिफ्यूजन है तो डिफ्यूजन है

हमारी क्या होती है 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 बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन जाती तो जब हमारे सेल्स के अंदर घुसती तब भी वो कैसे है, बच्चे बहुत अटकते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं देखो बेटा सबसे पहली बात डिफ्यूजन में क्या था सॉलिड लिक्विड गैस सबकी मूवमेंट होती थी ऑस्मोसिस हम कब मानेंगे कब होगी ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ बेटा किसकी होती है ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ होती है सॉल्वेंट या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स की सॉल्वेंट या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं हम ऑस्मोसिस बोलते हैं हम मैंने क्या कहा सॉल्वेंट या फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं बट मैम वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तो यहां पे भी हो रही थी आपने कहा डिफ्यूजन में सॉलिड लिक्विड गैस सब मूव कर सकते हैं अब पूरी बात सुनो हम कब मानेंगे हम कब मानेंगे कि ऑस्मोसिस हुई है देखो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं मान लो ये क्या है मान लो ये एक सेल है मान लो क्या ये है बेटा एक सेल है यहाँ पे मैंने क्या करा यहाँ पे मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाए यहां पे क्या है बेटा यहां पे केस वन ये है कि यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं यहां पे क्या है वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है जब मेरे वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर टू लोअर मूव कर गए यहां से यहां तो मैं इसको क्या बोलूंगी बेटा मैं इसको बोलूंगी डिफ्यूजन हो गई मैं बोलूंगी कि देखो भाई देखो डिफ्यूजन हो गई मैं बोलूंगी डिफ्यूजन हो गई बट अगर यहां पे बट अगर यहां पे क्या होता भाई मान लेते हैं कि बाहर क्या है बाहर क्या है बेटा वाटर के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं बाहर वाटर के मॉलिक्यूल क्या है बहुत सारे हैं बाहर हाई कंसेंट्रेशन है अंदर क्या है लो कंसेंट्रेशन है बाहर हाई कंसेंट्रेशन है लो कंसेंट्रेशन है अब ध्यान से सुनेंगे बेटा ध्यान से सुनेंगे पूरी डेफिनेशन को अब रीड करेंगे बिल्कुल मेरे साथ साथ ऑस्मोसिस क्या है बेटा ऑस्मोसिस मूवमेंट है वाटर की मॉलिक्यूल्स की बट कहां से कहां हायर से लोअर रीजन तो मैम ये तो ये भी हो रहा है अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात ये हो रहा है बट क्या इस मूवमेंट को कराने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस हो रही है नहीं जब हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं जब हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं और ऐसा करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है ऐसा करने के लिए जब उनको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोई

ऑस्मोसिस बिल्कुल नहीं कह सकती क्योंकि बेटा यहाँ पे वाटर ने वाटर के मॉलिक्यूल्स ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया ही नहीं यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ने कोई सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया ही नहीं ये जस्ट क्या है बेटा ये एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का समझे ऑस्मोसिस कब मानी जाएगी जब वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी हायर से लोअर ट्रेशन मूव करेंगे और कंसेंट्रेशन करते टाइम उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन 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 सेलेक्टिवली सेलेक्टिवली कौन सी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है तब हम मानते हैं ऑस्मोसिस अब ये दो तरीके की हो सकती है एंडो ऑस्मोसिस या एग्जो ऑस्मोसिस देखो बेटा नाम से समझ आ रहा है एंडो मतलब इन साइड एक्सो मतलब एग्जिट एग्जिट मतलब बाहर जाना हम बोलते हैं ना अरे भैया एग्जिट गेट कहा है तो एग्जिट मतलब बाहर की तरफ जाना बाहर की तरफ जाना तो जब हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा बाहर की तरफ जाते हैं तो हम बोलते हैं जब अंदर की तरफ आते हैं तो एंडो तो बेटा देखो यहां पे क्या हो रहा है इज इज कमिंग कमिंग द सेल बाहर से क्या हो रहा है वॉटर सेल के अंदर आ रहा है तो जब ऐसे होता है तो हम बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस होगी अब बेटा सेल के अंदर पानी जाता जा रहा है जाता जा रहा है जाता जा रहा है पानी बेटा सेल के अंदर जाएगा अब तुम गुब्बारे के अंदर पानी डालोगे तो वो फूल जाएगा राइट तो वैसे बेटा जब सेल के अंदर ठीक है, तो है? है. है बट जब हम बात करते हैं एक्सो ऑस्मोसिस की एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है भाई हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जा रहे हैं ठीक है थीके? हमारे वॉटर के मॉलिक्यूल्स क्या है भाई बाहर की तरफ जा रहे हैं वॉटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग आउटसाइड अब बेटा जब किसी चीज का तुम पानी निकाल देते हो ना किसी चीज के अंदर पानी था बट अब तुमने उसको निकाल दिया वो बिल्कुल पिचक जाती है बिल्कुल पिचक जाती है बिल्कुल सही तो जब किसी सेल का पानी बाहर निकल जाता है जब उसका एग्जोस्मोसिस हो जाता है सेल से पानी बाहर चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि सेल क्या हो गया हम बोलते हैं कि सेल क्या हो गया सेल श्रिंक हो गया सेल क्या हो गया सेल श्रिंक हो गया ये बात याद रखनी है ये बात याद रखनी है यहाँ पे क्या हो गया भाई यहाँ स्वेल हो गया क्योंकि पानी अंदर आ गया और यहाँ पे क्या था बेटा अंदर का पानी बाहर चला गया तो क्या हो गया भाई सेल श्रिंक हो गया अब यहाँ पे एक टॉपिक आ जाता है हमारा किसका हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का एंड जब भी इस टॉपिक की बात होती है बच्चे बहुत डर जाते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि भाई ये वाले क्वेश्चन करें कैसे कैसे ना करें तो कन्फ्यूजन तो देखो भाई है ना, है ना कन्फ्यूजन है नो डाउट बच्चों को कन्फ्यूजन है इसमें बट टीचर्स भी तो है ना भाई टीचर्स का काम क्या है टीचर्स का काम है बच्चों को पढ़ाना बच्चों को समझाना और बच्चों का काम क्या है बार बार उस टॉपिक को रिवाइज करना जो चीज नहीं समझ आ रही ना बेटा सबसे पहले उसको पढ़ो बैठ के सबसे पहले उसको पढ़ो उसके पीछे पढ़ जाओ कि भाई जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक आज मैं उठूंगा नहीं हम क्या करते हैं कोई चीज नहीं समझ आ रही ना किताब बंद करके भूल जाते हैं फिर उसको दोबारा देखने का मन भी नहीं करता सबसे बड़ी गलती बेटा हमारी यही है जो चीजें हमें डरा रही है ना कब तक उनसे भागोगे वी हैव टू फेस देम कब तक भागोगे क्लास नाइन्थ के एग्जाम से देने पड़ेंगे क्लास टेंथ में जाना है टेंथ के बोर्ड एग्जाम से कैसे भागोगे देने पड़ेंगे भाई इलेवंथ में जाना है अल्टीमेटली आपको उनको फेस करना ही करना है तो डट के सामना करो अड़ जाओ कि भाई आज तो सीखेंगे ठीक है देखो बेटा अब यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं बेटा हमारे पास तीन तरीके के सोल्यूशन होते हैं एंड इन सोल्यूशन को हम किसके रेफरेंस में कंपेयर कर रहे हैं इन सोल्यूशन को हम कंपेयर कर रहे हैं विद रेफरेंस टू सेल सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म क्या है बेटा बहुत सारा पानी पानी के अंदर क्या होते हैं बेटा पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स होंगे तो बेसिक बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि सेल के अंदर क्या है सेल के अंदर भी सॉल्यूशन है ठीक है और सेल ऐसा तो है नहीं हवा में तैर रहा है सेल हमारी बॉडी के अंदर है सेल किसी सोल्यूशन के अंदर ही पड़ा हुआ है तो उसके रेफरेंस में बेटा ये बात की जाती है अभी सिर्फ तुमको क्या समझना है तुमको बेसिक चीज समझनी है इतना डिटेल में मत जाओ तुम अभी सिर्फ ये समझो हाइपर टॉनिक सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं हाइपर का मतलब क्या होता है बेटा हाइपर का मतलब होता है मोर ठीक है हाइपर का मतलब होता है मोर जब किसी को गुस्सा आता है तो बोलते हैं यार तू हाइपर मत हो शांत हो जा इतना हाइपर मत हो इतना हाइपर मत हो भाई नीचे आ जा नीचे आ जा भाई शांत हो जा हाइपर मतलब ज़्यादा हाइपर मतलब ज्यादा भाई ऐसे सोल्यूशन जिनके अंदर क्या होता है जिनके अंदर सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है मोर सॉल्यूट और लेस सॉल्वेंट मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट सॉल्वेंट मतलब वाटर तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सॉल्यूट कंटेंट बहुत ज्यादा है ऐसे ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर क्या है सॉल्यूट कंटेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है एज कंपेयर टू सेल यानी कि अगर हम इनको सेल से कंपेयर करें यानी कि अगर हम इनको सेल से कंपेयर करें बेटा तो सेल के अंदर क्या होगा बेटा सेल के अंदर सॉल्यूट कम है बाहर ज्यादा है क्योंकि ये ये जो हमारा सेल है बेटा सोचना जरा ये सेल बाहर इस तरीके से ना एक सोल्यूशन में पड़ा हुआ है यहाँ पे क्या है बेटा यहाँ पे एक सोल्यूशन है जो कि कैसा है हाइपरटोनिक है हाइपरटोनिक का मतलब कि भाई ये जो सोल्यूशन है उसमें क्या है सॉल्यूट बहुत ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है जिससे कि हम हाँ ये भी बोल सकते हैं सॉल्वेंट कम है सॉल्वेंट कम है यानी कि बाहर क्या है बाहर पानी कम है इसको मैं ये भी बोल सकती हूं पानी बहुत ज्यादा है, है? ठीक ये सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फिर आ जाते हैं हमारे हाइपोटोनिक फिर आ जाते हैं कौन से भाई फिर आ जाते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन हाइपोटॉनिक सोल्यूशन कौन से सोल्यूशन होते हैं भाई हाइपोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जिनमें क्या होता है जिनमें लेस सोल्यूट इनके अंदर सोल्यूट कम है ऐसे सोल्यूशन जिनके अंदर क्या है सोल्यूट कम है लेस सॉल्यूट और सोलवेंट ज्यादा है लेस सोल्यूट और मोर सोलवेंट ठीक है ऐसे सॉल्यूशन जिनमें क्या है बेटा सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है ठीक है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू सेल बेटा सेल सेल से से कंपेयर कंपेयर चल रहा है ये अगर हम इस सॉल्यूशन को cell से करें तो सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा होगा और इस सॉल्यूशन सॉरी सेल के अंदर सेल के अंदर सॉल्यूट कम होगा इस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा सेल के अंदर पानी ज्यादा होगा और इस सॉल्यूशन में कम होगा बेटा ये सब कंपैरिजन सेल से चल रहे हैं इसके एज कंपेयर टू सेल चल रहा है ये सब अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन को सेल से कंपेयर करें तो सेल के अंदर सोल्यूट ज्यादा है सोल्यूशन में कम है सेल के अंदर पानी कम है इसके अंदर ज्यादा है, सेल के कंपेयर में बोल रहे हैं बेटा ये सारी स्टेटमेंट हम जब हम बोलते हैं आइसोटोनिक आइसोटोनिक का मतलब क्या है बेटा सेम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे सेम है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है मेरा ज्यादा मेरा कम नो no. यहाँ पे क्या है, बेटा? सेम है जितना सेल में उतना ही सोल्यूशन में जब इन सोल्यूशन के अंदर हम सेल को प्लेस करते हैं तो हमको मूवमेंट देखने को मिलती है पेपर में क्वेश्चन आता है देखो असली बात तो यह भाई मैम पेपर में क्वेश्चन आएगा प्लीज हमको बता दो करना कैसे है चलो भाई ध्यान से सुनेंगे मेरी बात तो यहाँ पे बेटा जब हम सेल को क्या करते हैं जब हम सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं यानी कि सोल्यूट बहुत ज्यादा है सोल्यूट बहुत ज्यादा है और सोलवेंट पानी क्या है पानी कम है यानी कि सोलवेंट ये जो हमारा सोल्यूशन है इसमें पानी क्या है इसमें पानी बहुत कम है पानी इसमें क्या है कम है इसको यहाँ पे हमने बना लिया है है बेटा पानी कम है। तो आप देख रहे हो बेटा पानी पानी कम है अंदर पानी ज्यादा है ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा ऑस्मोसिस क्या होता है जल्दी से याद करेंगे ऑस्मोसिस में वॉटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं कहां से कहां प्लाज्मा के अक्रॉस हायर टू लोअर बाहर पानी कम है अंदर ज्यादा है हायर टू लोअर पानी की मूवमेंट होगी अंदर ज्यादा है बाहर कम है अंदर ज्यादा है बाहर कम है हायर टू लोअर मूवमेंट हो गई अब बेटा जब पानी बाहर जाएगा तो यहां पे क्या होगा जल्दी से बताएंगे क्या होगा बेटा यहाँ पे वेरी गुड यहाँ पे पानी क्या होगा पानी बाहर जाएगा तो जब पानी बाहर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि एग्जो ऑस्मोसिस हो गई है वेरी गुड एक्सोस्मोसिस हो गई है और सेल क्या हो गया बेटा सेल यहां पे क्या हो गया श्रिंक हो गया सेल यहां पे क्या हो गया बेटा सेल यहां पे हो गया श्रिंक दिस इज़ हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक में क्या होता है भाई? हाइपरटोनिक में एक्सो होती है जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं एक्सो होती है और जब एक्सोस्मोसिस होती है तो बेटा क्या होता है सेल श्रिंक होता है सेल क्या होता है बेटा श्रिंक होता है ठीक है अब बेटा हाइपोटॉनिक में आ जाएंगे हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में याद रखेंगे सॉल्यूशन में क्या है बेटा पानी ज्यादा है सॉल्वेंट ज्यादा है तो आप देखो बेटा बाहर मैंने सॉल्वेंट ज्यादा बनाया है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा है अंदर पानी कम है बाहर पानी ज्यादा अंदर पानी कम ऑस्मोसिस में क्या होता है हायर टू लोअर मूवमेंट होती है हायर टू लोअर मूवमेंट होती है किसकी वॉटर मॉलिक्यूल्स की तो एज यू कैन सी बेटा पे क्या होगा Water के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ मूव करेंगे तो so, बेटा जब हम सेल को कहां रखते हैं जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं जब हम सेल को हाइपो सॉल्यूशन में रखते हैं तो पानी सेल के अंदर जाता है यानी कि एंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है और जब एंडो ऑस्मोसिस होता है बेटा सेल के अंदर पानी भर जाता है तो हम क्या बोलेंगे सेल क्या हो गया सेल यहाँ पे स्वेल हो गया सेल यहाँ पे स्वेल हो गया फिर आ जाते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं कि भाई जितना सोल्यूट सेल में उतना ही यहां पे जितना सोल्यूट सेल के अंदर उतना ही सोल्यूशन में तो यानी कि जितना पानी के मॉलिक्यूल बाहर उतने ही पानी के मॉलिक्यूल अंदर भी तो कुछ मूवमेंट नहीं होगी बेटा इक्वल है तो आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में कहते हैं कि नो नो नेट नेट मूवमेंट नेट मूवमेंट कुछ नहीं होती नो नेट मूवमेंट वाटर का मॉलिक्यूल जो नेट मूवमेंट है वो कुछ नहीं है ये क्या था बेटा ये हमारा हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक था अब बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक होगा होगा या क्या हो याद नहीं रहता अब मेरी बात सुनो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रही हूँ ट्रिक जिससे मैंने अपनी नाइन्थ क्लास में याद किया था ना जैसे मैंने अपनी नाइन्थ क्लास में याद किया था मैंने कैसे याद किया था बेटा मैंने ऐसे याद किया था देखो हमारे पास क्या है हमारे पास हाई पर टॉनिक में जब हम रखते हैं हाइपर टॉनिक में जब हम रखते हैं तो सेल क्या होता है सेल क्या होता है सेल श्रिंक होता है हरा थोड़ी सी मुश्किल है बट याद रहेगा याद रहेगा बेटा ठीक है, हाइपर में भी आर है श्रिंक में भी आर है जब हम हाइपरटॉनिक में सेल को रखते हैं जब हम हाइपर टॉनिक सोल्यूशन में सेल को रखते हैं तो हमारा सेल श्रिंक होता है कैसे याद रखेंगे हाइपर में भी आर है और श्रिंक में भी आर है और जब हम अपने सेल को कहां रखते हैं जब हम अपने सेल को कहां रखते हैं हाइपो हाइपो ठीक है मोटू सा हो गया है हमारा सेल सेल कैसा हो गया है सेल मोटू सा हो गया है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तो सेल हाइपो मोटू सा हो गया है एंड जब सेल मोटू सा होएगा तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि भाई देखो सेल फूल गया सेल फूल गया सेल सूज गया. गया स्वेल बोलते हैं ना सूज जाना स्वेलिंग सूज गया भाई फूल गया बड़ा सा हो गया तो यहां पे मोटू सा हो जाता है सेल स्वेल हो जाता है ठीक है ऐसे याद रखना तो देखो मैंने क्लास 9th में सच बता रही हूं दिस वॉज द ट्रिक मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी बहुत कन्फ्यूज होती थी फिर कंसेप्ट सीख गए अगर कंसेप्ट याद नहीं हो रहा कंसेप्ट याद हो गया बहुत अच्छी बात है बट पेपर में क्विकली क्विकली आंसर करना MCQ एमसी आ गया तो ऐसे याद रखेंगे ठीक है ऐसे याद रखेंगे चलिए बेटा आगे की तरफ चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई हमारी क्या है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर किसी सबस्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है ठीक है या फिर उल्टा कर दो पहर, उल्टा कर दो चाहे अंदर कंसेंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है सबस्टेंसेस की बाहर क्या है कम है अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा है बाहर कम है एंड जब कोई भी सब्सटेंस क्या होगा बेटा जब कोई भी सब्सटेंस लोअर टू हायर मूव करेगा ऐसी मूवमेंट को हम बोल देंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा सेल को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और ये एनर्जी बेसिकली एटीपी की फॉर्म में सेल क्या करते हैं खर्च करते हैं एटीपी क्या है मैम अभी माइट्रोकॉन्टर के केस में पढ़ेंगे रुक जाओ भाई ठीक है यहां पे ये वाले जो टॉपिक है बच्चों को बहुत डराते हैं कंफ्यूज करते हैं इन्हीं को लगता है टाइम सेल ऑर्गेनलीज पढ़ने में तो देरी कितनी लगती है तो यहां पे अगर हम बात करें सो ओके सो दिस नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस ध्यान से बेटा नोटिस करेंगे कि यहां पे हो क्या रहा है इफ यू विल नोटिस दिस तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है सबस्टांस की तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है नोटिस देखो बेटा एंडो और एग्जो का मतलब समझ गए एंडो मतलब अंदर आना एक्जो मतलब बाहर जाना तो जैसे अमीबा हो गया बेटा अमीबा जब खाना खाता है ना तो वो धीरे धीरे चीजों को अपनी बॉडी के अंदर इस तरीके से लेता है और जब वो लेता है ना तो वो कुछ चीजों को इस तरीके से थैले में रखता है क्या करता है बेटा वो इस तरीके से चीजों को थैले में अंदर रख के ले जाता है इसको बोलते हैं बैग या फिर वेसिकल तो जब इस तरीके से चीजें बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को धीरे 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 अंदर क्या करती है? बेंड कर देती है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेमरेक्ल है तो कोई भी चीज जब इस तरीके से अंदर जाती है तो हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस हो गई अब यहाँ पे देखो बेटा चीज ऑलरेडी अंदर थी अब उसको टाटा बाय बाय करके बाहर छोड़ दिया गया थैले के अंदर बिठाया धीरे 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 वो थैला क्या हुआ वो वेसिकल धीरे धीरे प्लाज्मा के अमीबा होता है बेटा वो इसी तरीके से एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से क्या करता है फूड को अक्वायर करता है वो इसको इसी प्रोसेस से क्या करता है बेटा अमीबा फूड को अक्वायर करता है किस प्रोसेस से अमीबा अक्वायर फूड बाय एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस की से वो क्या करता है बेटा इस तरीके से अमीबा खाना खाता है ठीक है किसी और आ, किसी और छोटे से लिविंग सेल को वो इस तरीके से धीरे 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 क्या करेगा कहेगा आजा बेटा आजा तुझे खा लू ठीक है वो इस तरीके से खा लेता है उनको ठीक है चलो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक और टॉपिक ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसके बाद हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सेल सेल ऑर्गेनलीज के ठीक है उनको भी अभी देखते हैं चलिए बेटा तो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लाज्मोलिसिस इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम प्लाज्मोलिसिस क्या है तो सबसे पहले तो बेटा आपको यहाँ पे पी याद रखना है जब हम बात करते हैं किसकी पी की तो पी से आपको याद रखना है कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है पी मतलब यहां पे ये है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलता है किसके अंदर प्लांट सेल के अंदर ठीक है और पी से क्या याद रखना है पी से आपको याद रखना है प्रोटोप्लाज्म अब ये है क्या देखो बेटा जब हम किसी भी प्लांट सेल को जब हम किसी भी प्लांट सेल को कहां रखते हैं जब हम किसी भी प्लांट सेल को रख देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर

तो जब हम प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखेंगे तो उसका सेल क्या होगा सुकुड़ने लगेगा उसका जो सेल है पूरा सुकुड़ने लगेगा अब सुकुड़ने लगेगा बेटा कौन सा पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस बाकी सब पार्ट एक पार्ट है जो बेटा जो तस से मस नहीं होगा हिलेगा ही नहीं बहुत रिजिड है जल्दी बताओ कौन सा पार्ट है बहुत रिजिड है डेड है वेरी गुड सेल वॉल तो यहाँ पे बेटा देखते हैं जैसे मान लेते हैं ये क्या है प्लांट की सेलवॉल है ठीक है ये ब्रेड कलर से मैंने क्या बनाया सेल वॉल बनाया अब जब हम इसको कहां रखेंगे बेटा जब हम इसको जब हम इसको वहां रख देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक होगा श्रिंक मतलब वाटर मूव आउट श्रिंक में क्या होगा बेटा वाटर मूव्स आउट वाटर बाहर भाग गया वाटर मूव्स आउट पानी बाहर भाग गया तो क्या हो गया सेल श्रिंक हो गया अब पे देखो बेटा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सारा में शुरू हो गया हमारी प्लाज्मा शुरू हो गई है मैं नहीं, श्रिंक, मैं क्यों डरू किसी से मैं तो नहीं डरती और आप ये देखो बेटा यहाँ पे क्या थी ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये देखो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी अब देखो बेटा

मैम सेल वॉल श्रिंक क्यों नहीं हुई सेल वॉल इसलिए श्रिंक नहीं हुई क्योंकि यहाँ पे सिर्फ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है और हमारा प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है और हमारी सेल वॉल तो डेड होती है भाई सेल वॉल डेड है यहाँ पे सिर्फ लिविंग कंटेंट श्रिंक होता लिविंग कंटेंट श्रिंक होता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग कंटेंट श्रिंक होता है ठीक है वॉल श्रिंक नहीं होगी क्योंकि वॉल डेड है ठीक है सेल वॉल क्या है सेल वॉल डेड है ये बात समझ आई चलो बेटा अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में न्यूक्लियस क्या है बेटा न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है ठीक है ये बात तो लिखी हुई है यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है बेटा न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है इसके पास क्या होती है इसके पास दो मेंब्रेन होती है है ना और ये दोनों मेंब्रेन मिलकर न्यूक्लियर एनवल बनाते हैं तो अगर बेटा मान लेते हैं ये हमारा सेल है ठीक है मान लेते हैं ये हमारा सेल है तो ये जो मैं बड़ा सा बना रही हूं बेटा न्यूक्लियस यहाँ पे ये क्या है बेटा ये न्यूक्लियस की एक वॉल है और ये न्यूक्लियस की क्या है दूसरी वॉल है इसके पास दो वॉल्स होती है इसके पास दो दीवारें हैं इसके पास न्यूक्लियस की खुद की दो मेंब्रेन होती है एक होती है आउटर मेंब्रेन एक होती है इनर मेम्ब्रेन और बेटा ये जो मेब्रेन होती है इन मेंब्रेन में क्या होते हैं इन मेंब्रेन में पोर्स होते हैं है, छोटे छोटे इस तरीके से क्या होते हैं बेटा इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स होते हैं आपको खाली जगह दिख रही है बेटा यहां पे? इस तरीके से इस तरीके से छोटे छोटे क्या होते हैं पोर्स होते हैं क्यों भाई सो so दैट जो भी सब्सटेंस साइटोप्लाज्म में जाना चाहते हैं वो जा सके और जो भी सब्सटेंस साइटोप्लाज्म से अंदर आना चाहते हैं वो आ सके इसलिए पोर्स होते हैं ठीक है और ये जो मैंने बनाया बेटा ये जो मैंने आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन बनाई इसको कलेक्टिवली मिला के हम क्या बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप क्या बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप ठीक है अब बेटा आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारा लाइक सब्सटेंस भरा होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारा इस तरीके से जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है न्यूक्लियस के अंदर भी एंड दैट जेली लाइक सब्सटेंस जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियो प्लाजम वी कॉल दिस न्यूक्लियो प्लाज्म न्यूक्लियो प्लाजम के अलावा और क्या होता है बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे हमारे न्यूक्लियस के अंदर बेटा पाया जाता है एक धागे जैसा स्ट्रक्चर एक धागे जैसी चीज होती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर जिसको हम बोलते हैं डीएनए तो हमारे सेल का जो डीएनए है जो मेजर डीएनए होता है बेटा हमारे सेल का वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है अब डीएनए क्या है ठीक है डीएनए क्या है देखो बेटा डीएनए एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन है कैसी तुम्हारी आंखों का रंग कैसा होगा तुम्हारी नोज की शेप कैसी होगी तुम्हारे ईयर की शेप कैसी होगी तुम्हारे बालों का रंग नेचुरली कैसा होगा तुम्हारे बाल घुंघराले होंगे स्ट्रेट होंगे वेवी होंगे सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहा होती है बेटा इस धागे जैसे स्ट्रक्चर में होती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं डीएनए सो डीएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए डी ऑक्सी डीएनए स्टैंड्स फॉर डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये क्या है ये एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा हमारे सेल के अंदर और ये कुछ इस तरीके से होता है और आपको पता है बेटा ये डबल डबल स्टैंडर्ड होता है मतलब दो धागे होते हैं जो आपस में इस तरीके से क्या होते हैं लिपटे हुए होते हैं डीएनए कुछ ऐसा ही होता है डीएनए कुछ ऐसा होता है बेटा तो दो धागे होते हैं बेटा जो आपस में इस तरीके से लिपटे हुए होते हैं एंड डीएनए के अंदर क्या है बेटा डीएनए के अंदर हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है फॉर आर कैरेक्टर्स तो मैं यहां पे लिख सकती हूं कैरीज डीएनए डीएनए कैरीज ऑल अबाउट आर कैरेक्टर्स हमारे कैरेक्टर्स की सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहा होती है बेटा इस डीएनए के अंदर होती है एक और टर्म होता है आरएनए आरएनए क्या होता है बेटा आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड है डीऑक्सी हटा दो बस राइबो न्यूक्लिक एसिड और उसके अंदर एक सिंगल धागा होता है यहाँ पे दो धागे बनाए ना दो स्ट्रैंड्स बनाए वहां पे सिर्फ सिंगल होता है ये डिफरेंस है सिंपल है बेटा जब हमारे न्यूक्लियस के अंदर ये सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस हो गया जब हमारे न्यूक्लियस के अंदर बेटा जब हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का धागा

डीएनए का धागा स्कैटर्ड है बट अगर मुझे अगर मुझे बेटा सेल के न्यूक्लियस के अंदर यही डीएनए यही डीएनए अगर मुझे सेल के क्या है? इस तरीके से उस शेप में दिखाई दे रहा है इस शेप में दिखाई दे रहा है मुझे तो मैं बोलूंगी क्रोमोजोम दिखाई दे रहे हैं ये भी क्या है बेटा ये भी डीएनए ही है दिस इज ऑल्सो डीएनए

उस टाइम पे ये जो डीएनए का धागा ये क्या होने लगता है ये कॉइलिंग होने लगती है इसकी डीएनए की धागे की क्या होने लगती है कॉइलिंग एंड कॉन्डेंसेशन ऑफ डीएनए डीएनए क्या होता है बेटा किस टाइम पे जब सेल का डिवीज़न का टाइम चल रहा है

ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी को हम बोलते हैं क्रोमोजोम एंड जब क्रोमोजोम के बारे में पूछा जाता है, कि किस से मिलके बना है तो क्रोमोजोम था ये ऐसा हो गया बेटा यहाँ पे प्रोटीन भी होते हैं इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं भाई इस तरीके से प्रोटीन भी होते हैं जो इसको पैक करके इसी पोजिशन में क्या करते, है? में करते हैं ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होता है हिस्टोन प्रोटीन हमारे पास क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन जो कि क्रोमोजोम्स को पैक करके रखता है इसी कंडीशन में तो पे डीएनए और प्रोटीन इससे मिलके बने होते हैं क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम में क्रोमोजोम कि किससे मिलके बने हैं राइट right? तो भाई डीएनए इतनी इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर इसलिए न्यूक्लियस को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है बट आपको पता है कुछ बेचारे ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है ऐसे सेल्स जिनके पास क्या है बेटा खुद का न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और ऐसे सेल्स जिनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिनके पास अपना प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल अब बेटा गैस करो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सेल्स होंगे जिनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता होगा गैस करो नहीं पता अरे कोई नहीं यार इट्स ओके okay. अच्छा मैं बताती हूँ देखो बेटा प्रोकैरियोटिक जो ये टर्म आया है ये आया है प्रीमिटिव से प्रिमिटिव मतलब ऐसे सेल्स जब हमारा अर्थ बन रहा था जब इस पर धीरे धीरे लाइफ आ रही थी तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले बने उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब मतलब ये कि भाई आप पे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स की बैक्टीरिया क्या है बेचारे छोटे से सेल्स होते हैं गरीब हैं बेचारे ठीक है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बट बैक्टीरिया को थो चलो मजाक उड़ा सकते हैं बैक्टीरिया क्योंकि हमको इतना परेशान करते हैं तो थोड़ा हम भी तो बदला लेंगे भाई देखो बैक्टीरिया बेचारे गरीब सेल्स है इतने गरीब है कि इनके पास खुद का न्यूक्लियस भी नहीं होता तो फिर इनका डीएनए कहाँ होता है इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता बट इनके पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड तो so बेसिकली होता क्या है बेटा? यानी कि पे बात कर रहे हैं किसकी? सेल या फिर बैक्टीरिया हम सीधा बोल सकते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया एंड जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं बेटा ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम होते हैं इतने सिंपल इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनके इनके पास पास पे पे क्या है इनके पास यहाँ पे है ये साइटोप्लाज्म और इनका जो डीएनए है बस वो बेचारा ऐसे ही पड़ा है बस बेचारा वो डीएनए ऐसे ही पड़ा है बस बेचारा ऐसे ही ठीक है ये पड़ा है बेटा उसी को हम क्या बोल देते हैं उसी को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड उसी रीजन को उसी जगह को हम क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है यहाँ पे बेटा कोई भी प्रॉपर इस तरीके से जैसे हम देख रहे थे ना वहां पे न्यूक्लियस के अंदर एक बाहर क्या होती है बाउंड्री होती है ऐसा कुछ बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कोई भी यहाँ पे वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है इसका जो डीएनए है बस वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है एंड बेटा बाकी इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं छोटे मोटे सेल ऑर्गेनलीज जो होते हैं वो नहीं पाए जाते तो ये क्या बना रहे हो मैम फिर आप हमारा पागल बना रहे हो नहीं यहाँ पे हम बना रहे हैं राइबोसोम्स राइबोसोम्स बेसिकली हमारे सेल के अंदर पाए जाने वाले वो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं ठीक है एंड ये अकेले ऐसे सेल ऑर्गेनली हैं जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल के अंदर पाए जाते हैं एक सेकेंड सुन लो जरा इसके बारे में एक और बात बैक्टीरिया के पे बेटा इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लैजेला व्हाट डू वी कॉल वी कॉल फ्लैजेला और ये हमारे बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं इन दी मूवमेंट दे हेल्प इन दी मूवमेंट हेल्प इन मूवमेंट ठीक है मूवमेंट में क्या करते हैं हेल्प करते हैं जब हम बात करते हैं किसकी जब हम बात करते हैं यू केरियोटिक सेल की भाई यू केरियोटिक सेल से हम किसकी बात करना चाह रहे हैं बेटा हम बात यहाँ पे कर रहे हैं किसकी प्लांट सेल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिमल सेल की जितने भी प्लांट हैं जितने भी एनिमल हैं उन सबके अंदर क्या होता है बेटा न्यूक्लियस पाया जाता है और ऐसे सेल्स जिनके अंदर जिनके अंदर क्या होता है जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ऐसे सेल्स को ऐसे सेल्स को देखो प्रॉपर न्यूक्लियस है प्रॉपर न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रॉपर क्या है उसके अंदर प्रॉपर इस तरीके से डीएनए है तो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक केरियोटिक सेल्स एक और बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पे क्या है बेटा यहां पे वो सब छोटे छोटे जो मैंने कहा था सेल ऑर्गेनली जो हमारे सेल के अंदर होते हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं आप देखो बेटा मैंने ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर यहां नहीं बनाया बट यहां पे मैंने सारे सेल ऑर्गेनलीज बनाए हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी लाइजोजोम ई आर ये सब यहां पे होता है प्लांट एनिमल सेल के अंदर ये सब होता है बट बैक्टीरिया का सेल बेचारा बहुत गरीब है उसके पास क्या है बेटा उसके पास साइटोप्लाज्म है उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बट उसके पास एक चीज और है भाई भूल कैसे गए तुम लोग उसके पास क्या है उसके पास बाहर एक आउटर कवरिंग है जिसको जिसको हम हम क्या बोलते है? जिसको हम बोलते हैं हैं सेल वॉल ठीक है तो इसके पास सेल वॉल भी होती है अब पेपर में क्या होता है बेटा पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियल सेल और फिर बच्चे कहते हैं मैम हमको तो पता ही नहीं था मैम हमने तो पढ़ा ही नहीं था भाई बैक्टीरियल सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो आपको यह बनाना है सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर ड्राइबोजोम फुल मार्क्स फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है चलो अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में रहे हैं फुल डिटेल में यूकैरियोटिक सेल के बारे में ठीक है चलो

और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनलीज हर सेल ऑर्गेनली अपने आप में क्या है यूनिक है हर सेल ऑर्गेनली की अपने अपने आप में एक यूनिक शेप है और हर सेल ऑर्गेनली का अपना क्या है अपना एक यूनिक फंक्शन है ठीक है चलिए अब एक एक करके हम सारे सेल के बारे में बात करेंगे। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं है, डबल मेम्ब्रेन कौन सा है तो ये हमको आना चाहिए देखो बेटा जब हम बात करते हैं सेल की तो सेल के अंदर कुछ डबल बाउंड स्ट्रक्चर्स है यानी कि उनके बाहर क्या होती है कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनके बाहर दो मेम्ब्रेन होती है जिनके बाहर क्या होती है जिनके बाहर दो मेम्ब्रेन होती है मतलब उनकी खुद की दो मेम्ब्रेन्स हैं दो बाउंड्रीज हैं न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड इनकी अपनी खुद की दो बाउंड्रीज होती हैं पर जब हम बात करते हैं वैक्यूल की लाइजोजोम की गोल्जी की ईआर की ये क्या होते हैं बेटा इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है और बेचारे फिर ये आ जाते हैं इनके पास है ही नहीं अब जब कुछ है ही नहीं तो बनाऊ क्या यार तो राइबोजोम और सेंट्रोजोम ये क्या करते हैं बेटा ये ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है और ये सेल को डिवाइड करने में मदद करता है ठीक है इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती अब ये सब क्या है मैम गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम वैक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया ये सब क्या है चलो भाई देखते हैं वन बाय वन ठीक है पूरा का पूरा बेटा इस चार्ट से सारा समझ लेंगे बहुत ही क्विक एंड इजी तरीके से चलो देखते हैं यहाँ पे तो भाई सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना स्टाइलिश नाम है ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा दो तरीके के होते हैं एक हमारा होता है एक हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको आर ई आर भी बोला जाता है और एक होता है एस ई आर जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से समझ आ रहा है ये रफ होता है और ये स्मूथ होता है क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं देखो हमारा जो न्यूक्लियस है बेटा उससे एसोसिएटेड होते हैं सबसे पहली बात तो ये और इसके साथ बेटा इस तरीके से क्या होता है इस तरीके से नेटवर्क होता है इस तरीके से नेटवर्क होता है ट्यूब्स का एंड शीट का तो ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस की जो आउटर वॉल है उसके साथ ये इस तरीके से आर ER, ER क्या होता है प्रेजेंट होता है अगर मेरे ईआर ER के सरफेस पे बेटा इस तरीके से छोटे छोटे मुझको क्या दिख रहे हैं राइबोसोम्स अटैच दिख रहे हैं ठीक है चीके? तो ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है मैं इसको बोलूंगी आर ई आर और अगर सरफेस पे कुछ भी नहीं है अगर सरफेस पे कुछ भी नहीं है तो आई विल कॉल इट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है बेटा राइबोजूम्स आर अटैच्ड राइबोजोम्स आर ठीक है या प्रेजेंट और यहां पे बेटा सरफेस पे क्या है यहां पे सरफेस पे राइबोम्स अटैच है राइबोसोम्स प्रेजेंट है यहां पे बेटा कोई भी राइबोसोम कुछ नहीं है राइबोजोम्स क्या है एबसेंट है अब बेटा जैसे कि मैंने कहा राइबोसोम्स क्या है राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं इनका काम प्रोटीन बनाना है तो जो आरआर होता है वो काम क्या करता है बेटा उसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना वो क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस करता है तो जितने भी प्रोटींस बनते हैं वो आरआर बनाता है एंड जितने भी लिपिड्स होते हैं जितने भी लिपिड्स होते हैं उसकी सिंथेसिस कौन करता है उसकी सिंथेसिस हमारा

वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन होती है उनके लिवर सेल के उनके लिवर सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में भी क्या करता है ये मदद करता है इन लिवर सेल्स लिवर के जो सेल्स होते हैं उनका जो एस है वो डिटॉक्सिफिकेशन में भी क्या करता है मदद करता है ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई करता है उनको तोड़ तोड़ के बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है राइट right? तो ये क्या है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और भी फंक्शन है बेटा देखते हैं और भी फंक्शन है जैसे कि बेटा यहाँ पे ये क्या है बेटा नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड का इसका काम क्या है मैकेनिकल सपोर्ट देना इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना हमारे सेल को उसके अलावा ये थोड़ा बहुत इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है यानी कि सेल के अंदर ही चीजों को अगर इधर से उधर भेजना है तो उसमें कौन मदद करता है एंडोप्लास्मिक रेचिकुलर उसके बाद फिर आ जाता है हमारा गोल्जी गोल्जी कुछ इस इस शेप का कुछ इस शेप का क्या होता है बेटा इस शेप का ये सेल ऑर्गेनि होता है ठीक है एक के ऊपर एक के ऊपर स्टैक्स होते हैं ठीक है और एक के ऊपर एक जो स्टैक्स होते हैं किसके होते हैं ये होते हैं सिस्टरने के क्या होते हैं बेटा इनको हम क्या बोलते हैं डू वी कॉल देम वी कॉल देम सिस्टरने सिस्टरने इनको सिस्टरने बोलते हैं अब गोल्जी का काम क्या है बेटा गोल्जी को सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ग उनके ऊपर इसका नाम पड़ा है ठीक है अब बेसिकली बेटा क्या है ये इसका काम होता है हमारे सेल के अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट करना चीजों को स्टोर करना चीजों को मॉडिफाई करना तो ये क्या है बेटा ये बेसिकली जो भी चीजें जो भी प्रोटीन और लिपिड्स हमारे ईआर के अंदर बनते हैं वो पहले गोल्जी बॉडी के अंदर जाते हैं वहां जाके वो मॉडिफाई होते हैं मॉडिफाई होने के बाद तो थोड़े टाइम के लिए वहां स्टोर होते हैं फिर उसके बाद फर्दर उनकी ट्रांसपोर्टेशन करना उनकी पैकेजिंग करने का काम पहले पैक किया जाता है और फिर उसको भेजा जाता है तो फॉर एग्जाम्पल बेटा आप किसी को पार्सल भेजना चाहते हो है ना कुछ आप भेजना चाहते हो तो पहले वो चीज आप लेकर आओगे फिर वहां पे आप उसको थोड़े दिन स्टोर करोगे फिर उसको पैक करोगे फिर आप उसको कोरियर करके भेज दोगे ट्रांसपोर्ट कर दोगे बिल्कुल वैसे ही गोलची क्या करता है चीजों को चीजों को, को, को स्टोर करता है चीजों को मॉडिफाई करता है चीजों को स्टोर करता है चीजों को पैक करता है और चीजों को हमारे सेल से अगर इधर उधर भेजना है ट्रांसपोर्ट में मदद करता है

वैक्यूल्स क्या है बेटा वैक्यूल्स बेसिकली स्टोरेज सैक्स है सैक्स मतलब थैला बोरी जैसे हो गया तो हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं उनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट एंड जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और वैक्यूल्स क्या करते हैं बेटा स्टोरेज में मदद करते हैं यहाँ पे बहुत सारा वेस्ट बहुत सारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बहुत सारे मिनरल्स बहुत सारे सब्सटेंसेस यहाँ क्या होते हैं बेटा स्टोर होते हैं एंड ये सेल को रिजिड टर्जिड रखने में, में मदद करते हैं यानी कि सेल को एक प्रॉपर शेप कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने में मदद करते हैं याद रखेंगे वैक्यूल प्लांट के अंदर बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं कभी कभी ये नाइनटी परसेंट ऑफ द सेल वॉल्यूम तक को ऑक्यूपाई कर लेते हैं एनिमल्स के अंदर वैक्यूल छोटे साइज के होते हैं और कई बार होते भी नहीं है ठीक है चलिए फिर आ जाते हैं हमारे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल और आखिरी में इनको छोड़ा हुआ है क्योंकि ये क्या है ये सेमी ऑटोनॉमस है सेमी ऑटोनॉमस इसका क्या मतलब है देखो भाई ये अपने क्या है सेल के गुंडे हैं ये राजा है ये क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास खुद का डीएनए है हमारे पास खुद के राइबोसोम मुझे हमें किसी की जरूरत नहीं है एक्चुअली में ये अपने आप में क्या है बेटा खुद अपना इनका सिस्टम चलता है ठीक है सिस्टम है भाई सिस्टम सिस्टम है इनका सिस्टम ठीक है तब होता क्या है देखो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है अगर आपने सुना हो कहीं पे है ना ये तो सब नहीं सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल पावर हाउस पावर हाउस ऑफ द सेल इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है ठीक है क्यों बोलते हैं क्योंकि यहां पे क्या होता है बेटा यहीं पे सारी पावर ठीक है पावर एज इन यहीं पे क्या है बेटा यहाँ पे इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं बिकॉज साइट ऑफ साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ठीक है दिता? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं बेटा इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं बिकॉज यहीं पे क्या होती है बेटा ठीक है यहीं पे क्या होती है एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे सेल को जो भी काम करना है उसको वो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ठीक है और वो एनर्जी कहां बनती है बेटा वो एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं और ये एनर्जी कब बनती है बेटा ये एनर्जी बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान तो जब एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें एनर्जी बनती है और क्योंकि यहां पे एनर्जी बनती है इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं अब बेटा एनर्जी बनती है किस फॉर्म में एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में है ना ये टर्म याद रखना है बेटा एटीपी किस फॉर्म में एनर्जी किस फॉर्म में बनती है एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में एटीपी स्टैंड्स फॉर एडीनोसाइन एडीनोसाइन ट्राई फॉस्फेट एडीनोसाइन ट्राई फॉस्फेट एनर्जी बनती है किस फॉर्म में बेटा एनर्जी बनती है एटीपी की फॉर्म में कहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड क्योंकि यहां पे एनर्जी बनती है इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखना है बेटा ये डबल मेम्ब्रेनस होता है यानी इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है ये इसकी क्या है बेटा ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है बेटा याद रखेंगे उसमें ना काफी सारे इन फोल्डिंग्स होते हैं मतलब वो इस तरीके से क्या होती है वो इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड होती है इस तरीके से इस तरीके से क्या होती है बेटा उसमें इस तरीके से अंदर की तरफ इन फोल्डिंग्स होती हैं और इस इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा इस इनर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्रिस्टे क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे और जैसा कि मैंने कहा यहीं पे अंदर क्या होता है बेटा यहीं पे अंदर डीएनए का खुद का माइटोकॉन्ट्रे का खुद का डीएनए होता है आरएनए होते हैं खुद के राइबोसोम्स होते हैं तो इसके पास खुद का डीएनए खुद का आरएनए और खुद के है यानी कि अपने प्रोटीन से खुद बना सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने कभी प्लांट्स को देखा हो है ना तो प्लांट्स के अंदर कितने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं येलो कलर का सनफ्लावर रेड कलर का रोज रंग बिरंगे कलर के फ्रूट्स होते हैं ये सारे कलर्स कहां से आते हैं कुछ तो होगा जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो बेटा हमारे सेल के अंदर कलर प्रोवाइड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे सेल के अंदर कलर प्रोवाइड करने का काम हमारे सेल के अंदर कलर प्रोवाइड करने का काम होता है प्लास्टिड्स का। तो प्लास्टिड्स याद रखेंगे बेटा पी फॉर प्लांट सेल्स ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं ये प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं अब प्लांट सेल के अंदर पाए जाने वाले ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं ठीक है सबसे पहला सबसे पहला बेटा हमारा हो गया से क्रोमोप्लास्ट। दूसरा दूसरा हमारा हो गया, दूसरा हमारा हो हो गया गया ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट अब ये क्या है मैम क्लोरोप्लास्ट का तो नाम सुना है बाकी नहीं सुने अब सुन लो जरा अब सुन लो अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे देखिए चलो अब प्लास्टिड्स क्या है बेटा मैंने कहा ये जो रंग बिरंगे कलर्स हमको दिखाई देते हैं सेल के अंदर ये दिखाई देते हैं किसकी वजह से प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स की वजह से अब भी तीन तरीके के यस क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट अब देखो बेटा प्लांट के अंदर अगर आपको कोई भी कलर दिख रहा है अदर देन ग्रीन अगर आपको प्लांट के अंदर ग्रीन के अलावा कोई भी कलर दिख रहा है कोई भी कलर दिख रहा है तो वो किस वजह से होगा बेटा क्रोमोप्लास्ट की वजह से किसकी वजह से क्रोमोप्लास्ट की वजह से प्रोवाइड कलर अदर देन ग्रीन ग्रीन के अलावा आपको रेड पिंक ब्लू ठीक है येलो, ये सब क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है ठीक है चलो जी उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है बेटा क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड है ये क्या है ग्रीन प्लास्टिड है जितना भी ग्रीन कलर आपको दिखता है बेटा वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से दिखता है क्यों क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल एंड क्योंकि इसके अंदर वो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है वो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है इसी की वजह से जहां पे भी ये होता है उस जगह को ग्रीन कर देता है एंड हम सभी को बताया बेटा ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में मदद करता है यानी कि क्लोरोप्लास्ट क्या है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी है यहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट सेल के अंदर देन वी हैव ल्यूकोप्लास्ट अब ल्यूको ल्यूकोमेटा जो मतलब है ल्यूको मतलब कलरलेस तो जितने भी कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं <coughs> प्लांट के अंदर उनको ल्यूकोप्लास्ट की कैटेगरी के अंदर रखा गया है अब ये भी क्या हो सकते हैं बेटा ये भी तीन तरीके के हो सकते हैं पहले हमारे पास है अमाइलोप्लास्ट ये क्या करता है ये स्टार्च को स्टोर करता है ये स्टार्च को स्टोर करता है इलायोप्लास्ट। ये सेल के अंदर क्या करता है ये सेल के अंदर फैट्स को स्टोर करता है देन वी हैव ए ल्यूरोप्लास्ट देन वी हैव ए ल्यूरोप्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट एक तरीके का ल्यूकोप्लास्ट है जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है। तो कलेक्टिवली अगर हमें बोलना हो, प्लास्टिड्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्रोमोप्लास्ट क्रोम कलर देने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का, का काम करता है फूड को स्टोर करता है स्टार्च को स्टोर करता है फैट्स को स्टोर करता है और ये प्रोटीन को स्टोर करता है क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा ग्रीन कलर का पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है क्लोरोप्लास्ट इज ऑफ इस तो यहीं पे क्या होती है फोटोसिंथेसिस होती है कहां पे प्लांट सेल के अंदर राइट चलिए ये हमारा सेल ऑर्गेनलीज वाला टॉपिक हो गया चलिए तो यहाँ है, है, क्यूं है? है और ये किस चीज में इन्वॉल्व है ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है ये ग्रीन कलर देते हैं प्लांट पार्ट्स को और इसी की वजह से ऑक्सीजन बनती है क्योंकि बेटा जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन गैस ग्यास रिलीज होती है इनके पास भी क्या

बाकी सब जो बच गए सबके पास सिंगल मेम्ब्रेन है राइबोसोम्स और सेंट्रियोल्स इनके पास मेम्ब्रेन नहीं है इनका काम क्या है बेटा इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहा जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट राइबोसोम्स ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कराते हैं यानी कि इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है वी कॉल देम प्रोटीन फैक्ट्रीज क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट है यानी कि ये बैक्टीरिया के बैक्टीरिया सेल जो होता है उसके अंदर उसके साइटोप्लाज्म के अंदर हमको मिल जाते हैं बट जब हम सेल की बात करते हैं यानी कि प्लांट और एनिमल सेल उसके साइटोप्लाज्म में भी पड़े होते हैं ये आपने देखा बेटा ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से भी अटैच थे उसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या थे प्रेजेंट थे यानी कि ये बहुत भर भर के कहां है ये भर भर के क्लोरो हमारे यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइट नाउ वी हैव द वेरी वेरी लास्ट टॉपिक फॉर टुडे क्लास फाइनली है ना फाइनली वी हैव लास्ट टॉपिक दैट इज सेल डिवीजन। बेटा जब कोई भी सेल डिवाइड होता है वो टूट के अपने जैसे दो नए सेल्स बनाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन मतलब मतलब ये मान लेते हैं कि भाई हमारे पास ये क्या है मान लेते हैं हमारे पास ये एक सेल है अब ये सेल जब होगा बेटा अपने जैसे और नए सेल्स बनाएगा है ना ये अपने जैसे और नए सेल्स जब बनाएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल डिवीजन है ना इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेल डिवीजन अब जब कोई भी सेल डिवाइड होके अपने जैसे और नए सेल्स बनाता है तो वो दो प्रोसेसेस फॉलो कर सकता है या तो वो क्या करेगा या तो वो माइटोसिस करेगा या फिर वो करेगा। देखो बेटा, माइटोसिस है? है।, है इसको पेरेंट सेल या मदर सेल भी बोल सकते हैं क्योंकि इससे के इसके जैसे और बनेंगे ठीक है अब जब ये डिवाइड करेगा जब डिवाइड करेगा सबसे पहली बात तो याद रखेंगे ये अपने जैसे दो सेल बनाएगा ठीक है अपने जैसे दो सेल बनाएगा एंड आपको याद है बेटा हमने कहा था सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होते हैं तो जब कोई भी सेल जब कोई भी सेल क्या करता है कोई भी सेल माइटोसिस की प्रोसेस करता है तो उस टाइम पे उसके क्रोमोजोम्स क्या होते हैं डिवाइड भी होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा यहाँ पे, पे क्या होता है जो क्रोमोजोम्स होंगे वो क्रोमोजोम नंबर सेम रहता है माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है मतलब मान लेते हैं कि एक सेल है जिसके पास टोटल जिसके पास टोटल क्या है बारह क्रोमोजोम्स हैं इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है बारह क्रोमोजोम्स हैं तो जब ये सेल डिवाइड करेगा जब ये सेल डिवाइड करेगा बेटा इसका जो क्रोमोजोम नंबर होगा वो सेम रहेगा जो क्रोमोजोम नंबर है वो क्या रहेगा बेटा इट विल रिमेन सेम इट विल रिमेन सेम तो अगर इसके पास बारह क्रोमोजोम है बेटा तो इनके पास भी क्या होंगे बारह बारह क्रोमोजोम होंगे पर जब मियोसिस की बात करते हैं तो मान लेते हैं क्या है ये एक सेल है जो कि अभी डिवाइड करेगा तो सबसे पहली बात तो अगर इसके अंदर मियोसिस होगी तो ये अपने जैसे दो नहीं ये अपने जैसे ये अपने जैसे चार सेल बनाएगा ये अपने जैसे चार सेल बनाएगा और जब ये अपने जैसे चार सेल बनाएगा बेटा तो अपने जैसे चार सेल बनाते टाइम जो इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे क्रोमोसोम्स होंगे फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे भी मान लेते हैं क्या है क्रोमोसोम्स है वो क्या होंगे बेटा आधे हो जाएंगे इसके पास इसके पास आधा क्रोमोसोम ही जाएगा आधा मतलब बारह का आधा क्या होगा बेटा वट विल बी द हाफ ऑफ बारह बारह का आधा हो गया छे तो इन सबको छोमोजोम मिलेंगे अब ये कैसे हो सकता है मैम बारह ये तो छे और छह चौबीस हो गया मैम ये तो ऐसे कैसे बेटा ये डबल भी तो करता है वो एक अलग प्रोसेस है आपको इतना याद रखना है जो दो नए सेल बनते हैं उनको इक्वल मिलता है और जो नए चार सेल बनते हैं उनको आधा मिलता है ठीक है यही क्या है माइटोसिस एम मियोसिस की प्रोसेस है पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंस बताना है माइटोसिस बताएंगे यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं यहाँ पे दो नए डॉटर सेल्स, सेल्स बनते हैं यहाँ पे चार डॉटर सेल बनते हैं ठीक है जो नए सेल्स बने हैं उनको बिल्कुल अपने पेरेंट के जितने ही क्रोमोजोम मिलते हैं और जो यहाँ पे नए डॉटर सेल्स बने हैं उनको आधे क्रोमोजोम मिलते हैं ये वाली डिवीजन कब होती है बेटा मान लो किसी को चोट लग गई वहां पे दोबारा से नए सेल्स क्या होंगे बनाने पड़ेंगे उसको हील करने के लिए तो टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए ग्रोथ करने के लिए इंजरी वाले टिश्यूज को दोबारा से नए सेल्स बनाने के लिए वहां पे क्या होता है माइटोसिस होती है बट जब मियोसिस की बात होती है गैमीड्स बनाने के लिए तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब स्पर्म या फिर एग सेल का फॉर्मेशन होता है जब किसी भी सेल के अंदर एग्लस का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मियोसिस मियोसिस की प्रोसेस से होता है एंड फाइनली यार वी हैव कंप्लीटेड टुडे सेशन बट रुक जाओ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ देखेंगे बेटा टोनोप्लास्ट किसकी मेम्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट बेटा होती है हमारी हमारी वैक्यूल की मेम्ब्रेन को वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं

कौन से टाइप के प्लास्टिड्स ऑयल्स और फैट्स का स्टोरेज करते हैं तो जो हमारे इलायो प्लास्ट होते हैं वो फैट्स का स्टोरेज करते हैं प्रोटीन का स्टोरेज करते हैं क्लोरोप्लास्ट तो भाई ये तो खाना बनाने में मदद करते हैं तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया विच सेल कंसिस्ट ऑफ देयर ओन डीएनए राइबोसोम्स किसके पास अपने खुद के एंड राइबोसोम्स है तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, इसके पास नहीं है। और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट भी क्या होगा, इसका आंसर होगा। so, से होते हैं। तो बेटा गोल्जी ऑपरेटस के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे कि बहुत सारे काम करता है और एक काम वो ये करता है कि क्या करता है वो हेल्प करता है इन फॉर्मेशन इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम्स क्या करता है भाई वो लाइजोजोम्स की फॉर्मेशन में मदद करता है मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में लाइजोजोम प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स वहां पे मिलते हैं अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन भाई प्रो के अंदर कुछ डिफाइंड नहीं है न्यूक्लियस के नाम पे कुछ नहीं पता क्या है एक चीज है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड वहीं पे उसका डीएनए पड़ा होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं विच सेल ऑर्गेनलीज प्लेस क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स तो बेटा कौन सा सेल ऑर्गेनली डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स को पॉइजन को अगर हमारी बॉडी में चला गया उनको डिटॉक्सीफाई करता है तो वो काम करता है बेटा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके अब आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ बैक्टीरियल सेल कैसे डिफरेंट है प्लांट सेल से तो भाई बैक्टीरियल सेल क्या है बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल ठीक है प्लांट सेल क्या है रियोटिक सेल अब आपसे बेसिकली बेटा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वो बेसिकली आपसे प्रो कैरियोटिक सेल में ही पूछ रहा है कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है हमेशा डिफरेंस वाले क्वेश्चन इस तरीके से टेबल और टैब्युलर फॉर्म में आंसर करना है प्रो सेल्स का साइज छोटा होता है यू सेल्स का साइज बड़ा होता है यहाँ पे बेटा न्यूक्लियर रीजन कुछ भी डिफाइंड नहीं है बस डीएनए पड़ा हुआ है यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है है जिसके अंदर अंदर डीएनए पाया जाता है। इनके अंदर सिंगल जाते हैं। यहां पे एक से सारे सेल हैं राइट चलो अब आपको पेपर में आएगा कि कंपैरिजन करो कैसे प्लांट और एनिमल सेल एक दूसरे से डिफरेंट है तो ये मत बोलना भाई वो प्लांट में है और वो एनिमल में है ऐसे वाला आंसर लिख के आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा ठीक है अंडा मिलेगा अंडा एनिमल सेल मिलेगा तुम्हें ठीक है हमको दोनों के बारे में बात करनी है हम बताएंगे कि प्लांट सेल का जो साइज होता है यूजुअली लार्जर होता है एनिमल सेल्स का साइज थोड़ा देखा गया थोड़ा छोटा होता है प्लांट सेल के अंदर बेटा सेल वॉल प्रेजेंट है यहां जो कि सेल्यूलोर्स की बनी होती है बट यहाँ पे सेल वॉल एबसेंट है यहाँ पे बेटा क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं पी फॉर फॉर प्लास्टिड प्लांट सेल्स पे कोई प्लास्टिड्स नहीं होते है ना नहीं तो हमारे ऊपर भी रंग बिरंगी पंखुड़िया होती रोज जैसी चलो जी लार्जर वैक्यूल्स यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट है वो बड़े बड़े होते हैं साइज में ठीक है बट यहाँ पे बेटा वैक्यूल्स जो है वो स्मॉल होते हैं और कई बार एब्सेंट भी होते हैं Centrosome क्या होता है देखो बेटा ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, में और यहां पे होते हैं. ठीक है? अब वो पूछ रहा है कि बताओ भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मूवमेंट कैसे होगी इन एंड आउट ऑफ द सेल इन एंड आउट ऑफ द सेल मतलब उसको प्लाज्मा क्रॉस करनी पड़ेगी तो भाई गैसेस की मूवमेंट तो हमको पता ही है हमेशा किसकी वजह से होगी डिफ्यूजन की वजह से होगी अब वो ये कह रहा है कि वाटर बेटा वाटर को अगर क्या करना पड़ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ रहा है तो हम बोलेंगे ना कि ऑस्मोसिस तो बेटा वाटर की मूवमेंट ऑस्मोसिस से और गैसेस की मूवमेंट कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट डिफ्यूजन से होगी ठीक है चलिए अब हमको यहाँ पे कुछ ऑर्गेनलीज को नाम करना है ट्रांसपोर्टिंग चैनल बेटा ट्रांसपोर्टिंग चैनल की तरह काम करता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कराने में क्या करता है मदद करता है उसके बाद पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है पावर हाउस ऑफ द सेल हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल पैकेजिंग चीजों को कौन पैक करता है बेटा वेरी गुड चीजों को पैक करता है गोल्जी अपरेटस बेटा स्टोरेज सेक्स हमारे होते हैं वैक्यूल्स वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सेक्स किचन ऑफ द सेल्फ किचन मतलब खाना बनाना खाना कहां बनेगा फोटोसिंथोसिस कहा होगी वेरी गुड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंड देन वी हैव कंट्रोल रूम भाई पूरे सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस कंट्रोल करता है हमारे पूरे सेल को राइट चलिए विद दिस दिस विद वी हैव कंप्लीटेड टुडे सेशन और अब आपके लिए, आपके लिए लिए होमवर्क है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे होमवर्क है चार पांच क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है ये आपका होमवर्क है बेटा सोच समझ के आंसर करना जब कोई भी पर्सन सॉल्ट वाला सॉल्यूशन पी लेता है तो उसको वॉमिटिंग हो जाएगी क्यों ठीक है आंसर यहाँ पे दिया हुआ है बट देखना नहीं है ठीक है ये मैच द फॉलोइंग आपको करने हैं ये आपका होमवर्क है ठीक है कौन सी प्लास्टिड कहां मिलेगी बेटा थोड़ा सोच समझ के आंसर देना देखो फ्लावर एंड फ्रूट्स में रंग होता है रंग किसकी वजह से क्रोमोप्लास्ट क्रोमो की वजह से लीव्स ग्रीन होती है लीव्स में क्या होगा क्लोरोप्लास्ट रूट ऑफ द प्लांट सॉइल के नीचे है कोई कलर नहीं होता यहाँ पे स्टोरेज होती है फूड की क्या होगा ल्यूकोप्लास्ट है ना आंसर वैसे यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है चलो वाई डू प्लांट सेल बता देती हूँ प्लांट सेल के पास बड़े बड़े वैक्यूल क्यों होते हैं क्योंकि प्लांट बेचारे मूव नहीं कर सकते इधर से उधर खाने की सोच में तो जो भी फूड उनके पास जाता है उनको मिलता है वो बनाते हैं वो क्या करते हैं बेटा उसको स्टोर कर लेते हैं इसलिए उनके पास क्या है

आखिरी क्वेश्चन आज का होमवर्क का वो ये है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये सब क्वेश्चंस करने की क्या करनी है बेटा कोशिश करनी है हिंट दे देती हूँ आप ड्राई एप्रिकॉर्ड को बेटा जब प्योर वाटर के अंदर डालोगे तो क्या होगा ड्राई है अंदर पानी नहीं है बाहर पानी है पानी सेल के अंदर घुस जाएगा उसके बाद जब आप उसको सुगर सॉल्यूशन में रखोगे सुगर सॉल्यूशन मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन बेटा यहां पे मतलब क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है अब आप खुद सोचो बेटा जब हम किसी भी चीज को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा वेरी गुड श्रिंक होगा रेड ब्लड सेल को जब आप सेलाइन सॉल्यूशन में रखोगे सेलाइन सॉल्यूशन अगेन हाइपरटोनिक है हाइपरटोनिक में आपने एक सेल को रखा क्या होगा श्रिंक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा अंदर का जो साइटोप्लाज्म है सारा बाहर लीक आउट हो जाएगा कुछ भी चीजें इजीली अंदर आ जाएंगी और सेल के ऊपर अटैक कर देंगी सेल मर जाएगा रोयो लीव्स को आपने बॉईल किया पहले और फिर उसको आपने शुगर सिरप डाला अब ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है बॉईल करोगे तो सेल मर गया अब सोचो क्या होगा ठीक है गोल्जी ऑपरेटिस अगर आपने हटा दिया गोल्जी ऑपरेटिस क्या काम करता है गोल्जी ऑपरेटिस स्टोरेज करता है पैकेज करता है मॉडिफाई करता है लाइजोजोम बनाता है अगर आपने गोल्जी को हटा दिया तो ये सब काम नहीं हो पाएंगे राइट चलिए तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का सेशन थैंक यू थैंक यू सो मच ठीक है आज हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं आई होप आपने आज की क्लास एंजॉय करी होगी अगर आज की क्लास में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं तो प्लीज ड्रॉप डाउन छोटा सा क्यूट साइक सनफ्लावर इन द कमेंट सेक्शन मिलती है बेटा नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच बाय बाय